प्रदेश के महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सदन में रख करके प्रदेश के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। काफी रुचि के साथ सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी और मैं खासतौर पर आभारी हूं नेता प्रतिपक्ष माननीय राम गोविंद चौधरी जी का। यद्यपि मेरी हार्दिक इच्छा थी कि उनका जब भाषण हो तो मैं सदन में रहूं, लेकिन उसी समय मेरा विधान परिषद में था तो उच्च सदन में रहने के कारण मैं उस समय यहां सदन में नहीं रह पाया, लेकिन उनके भाषण को मैंने बहुत पूरी प्रति मैंने मंगाई थी और मैंने उनके भाषण के को भी पढ़ा और उसके भाव को भी जाना और समझने का प्रयास किया है। अन्य दलीय नेताओं के बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सहलदेव समाज पार्टी और हमारे सहयोगी अपना दल से जुड़े हुए सभी नेताओं ने भी इस सदन में जो विचार रखे हैं मैं उन सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे सहयोगी जो हैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी के 39 माननीय सदस्यों ने भी अपनी विशेष बातों को यहां पे रखा, विकास का एक नया एजेंडा प्रदेश को दिया, विधानसभा जनपद और प्रदेश के अंदर विकास की कार्ययोजना कैसे आगे बढ़नी है, इन सभी के साथ ही अपना दल से भी जुड़े हुए माननीय 3 सदस्यों ने, समाजवादी पार्टी के 10, बहुजन समाज पार्टी के 5, कांग्रेस के 3, स्वयंदेव भारत समाज पार्टी के 2, यानी कुल 62 सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया है और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली का सृजन प्रदेश का विधानमंडल कर रहा है, ये हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है। मैं इसके लिए आप सभी माननीय सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। महोदय, हम सब जानते हैं कि जब प्रदेश के अंदर हमारे सहयोगी वित्त मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी यहां पर बजट प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय देश के अंदर भी बहुत सारी बातें उत्तर प्रदेश के बारे में आ रही थी और खासतौर पर बजट पे हम चर्चा करें तो इससे पहले उन मुद्दों पे चर्चा होनी बहुत आवश्यक हो जाती है। इसलिए हो जाती है क्योंकि बजट से उसकी उसका संबंध है और कहीं ना कहीं बजट के दायरे के बारे में या कोरोना कालखंड के दौरान मुझे लगता है हर एक तबके ने, अगर राजनीतिक पूर्वाग्रह उनके साथ नहीं जुड़ा है वो अलग विषय है कि घर के अंदर उन्होंने बजट का सराहना की होगी, लेकिन सार्वजनिक रूप से छोड़ दिया जाए तो बाकी हर तबके ने माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट की यहां पर भोरी भोरी प्रशंसा हर एक तबके ने की है और प्रदेश ही नहीं देश स्तर पर। मेरे पास फिक्की से, सीआईआई से या अन्य उस फील्ड में काम करने वाले लोगों के जो वक्तव्य, जो फोन या जो आपसी बातचीत में उन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं, हर एक ने उसकी सराहना की है, वैसे ही नहीं की।
और मुझे इसीलिए नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बातें यहां पर कही, मैंने जैसे कहा कि मैं सचमुच सुनना चाहता था उनके भाषण को, और मैंने उनके भाषण के उसको पूरा मैंने निकाला, उसके प्रिंट को निकाल करके मैंने उसको भी देखा। मैंने यद्यप अनुरोध किया था कि अगर वे अपने बजट भाषण को 12:30 बजे की बजाय 3 बजे के आसपास अपनी बातों को रखेंगे तो मैं सदन में मौजूद हूं, और उनके मित्र खन्ना जी ने उनको ये बात बताई भी होगी, लेकिन जब भी वे खन्ना जी की बात को नहीं मानते हैं तो उनके साथ धोखा हो जाता है। बजट महोदय, बजट हम लोग ऐसे समय में लेके आए हैं जब वैश्विक महामारी कोरोना है, लोग कोरोना से भयभीत हैं, लेकिन भारत ने कोरोना का प्रबंधन भी बेहतर तरीके से किया, और कोरोना प्रबंधन के साथ ही अब कोरोना से बचाव के लिए भी जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, अभी 1 मार्च से 60 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी अब वैक्सीन देने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। यानी भारत की एक अपनी उपलब्धि, भारत के साथ कुछ ना कुछ नई उपलब्धियां जुड़ती जा रही हैं, और भारत के लोगों को इस महामारी से बचाने के साथ साथ आरोग्यता प्रदान करने के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, 1 मार्च से फेज 2 का जो कार्यक्रम चला है, मैं स्वयं भी लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में जाकर के उन सभी नागरिकों से, जो वरिष्ठ नागरिकगण जन थे जो उस दिन वैक्सीन लेने के लिए आए थे, अलग अलग तबके के थे, और अपनी लाइन में बैठ करके पूरी धैर्य के साथ वो वैक्सीन लगाने के साथ वो अपने को जुड़े थे। तेजी के साथ ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, अद्भुत अनुशासन है, और वही विदेश अगर अपने नेतृत्व के इस अनुशासन भाव के साथ जुड़कर के कार्य करता है तो उसको दुनिया की महाताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता है, और यह एक शुभ स्थिति वर्तमान में भारत के साथ जुड़ रही है। कोविड से प्रदेश भी प्रभावित हुआ, हमारा राजस्व भी प्रभावित हुआ, आम जनमानस में भी इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन इस सब के बावजूद प्रदेश ने अपनी सारी व्यवस्था को, वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए सारे कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया, और मैं कहना चाहूंगा नेता प्रतिपक्ष से कि बजट पे जो उन्होंने बातें कही और खन्ना जी को कुछ शेरो शायरी भी सुनाई थी उन्होंने, पता नहीं खन्ना जी ने शेरो शायरी का जवाब आपको दिया कि नहीं दिया, कल वे देंगे, कल देने को तैयार हैं, और मैं अपील करूंगा कि वे जरूर खन्ना जी की बातों को सुनेंगे। लेकिन महोदय, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से न कभी उब कहते, यह रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी अक्सर सही बैठती है। बजट के प्रपेक्ष में अगर आपको देखना हो तो बिना विचलित हुए हम लोगों ने इसका अनुसरण किया, हम लोगों ने उन बातों को लेकर के आगे बढ़े। लेकिन जब मैं आपकी बात सुन रहा था और आपकी बातों को मैं जब इसमें देख रहा था तो मुझे लगता है कि
आपकी बातों से मुझे लग रहा था कि आप बजट को इस रूप में चाहते हैं जो समाजवादी पार्टी के समय में होता था, क्योंकि आप लोगों का कोई वास्तव में बहुत भारतीय प्रपेक्ष में कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं होता था जो सर्वसमावेशी हो, सर्वकल्याणकारी हो, प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला हो। वह भाव न होने के नाते मुझे लगता है कि आप अपने आपकी पार्टी जो पिछली सरकारें थी वह केवल एक बात को विश्वास करती थी, वह थी चार्वाक का वह सिद्धांत, व्यावास जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम जीवित, यह इनका एक भाव होता था। तात्कालिक रूप से मिल जाए, और मुझे लगता है तात्कालिक रूप से न उसमें कोई भाव होता था, न उसमें प्रदेश की भावनाएं होती थी, न विकास का कोई एजेंडा होता था, और न ही कोई प्रदेश के लिए कोई दूर दृष्टि का कोई एक एजेंडा ही उसके अंदर छुपा होता था, और इसलिए हरेक तबका नाराज होता था, और हर तबके ने फिर उसका जवाब भी दिया है, हरेक तबके ने उसका बहुत जवाब भी दिया है। महोदय, मैं चर्चा कर रहा था इस बात को लेकर के बजट पर ही, अगर आप देखेंगे जो टिप्पणी अलग अलग तबके के लोगों ने की, पूर्व मुख्य सचिव, उन्होंने इस बारे में कहा सरकार का विजन क्या, वोट से ज्यादा विकास पर जोर, हमें मालूम है तात्कालिक आवश्यकता के लिए बनाई जाने वाली योजनाएं न पार्टी का न प्रदेश का हित कर सकती है, हम एक विजन के साथ विकास के रोडमैप को तैयार किए हैं और उस रोडमैप के अनुसार हम लोगों ने विकास के इस एजेंडे को लागू किया है, यही पार्टी को भी और प्रदेश को भी एक नई ऊंचाई देगा, पार्टी को लंबे समय तक शासन करने के लिए और प्रदेश को विकास की एक नई अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के एक विशेषज्ञ ने भी इस बात को कहा कि बजट को सभी वर्गों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, यह बजट युवाओं को समर्पित है, पेपरलेस बजट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लिए को विशेष बधाई। डॉक्टर अरोड़ा ने सरकार द्वारा कोविड 19 टीकाकरण के लिए विशेष रूप से जो प्रावधान किया है इसके लिए भी उन्होंने आभार व्यक्त करने के साथ ही सुपोषण पर ध्यान देने के लिए भी इसको एक सराहनीय कदम माना है। स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ की राय इस संबंध में हम सबके सामने आती है। चेयरमैन सीआईआई ने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर, स्वस्थ और सुरक्षित बनाने वाला बजट है। ये उस भीड़ से जुड़े हुए लोग हैं जिनको राजनीति से लेने देना नहीं, लेकिन हां अर्थव्यवस्था और बजट के मुद्दे को लेकर के चेयरमैन पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है, किसानों, युवाओं और महिलाओं के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है, कोरोना संक्रमण की आपदा में सभी उद्योगों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, इस बजट से उद्योगों को एक नई राहत दिखती है। ये पीएचडी चैंबर के चेयरमैन का बयान है। इसी प्रकार के प्रेसिडेंट एसोचैम के द्वारा भी प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी समाज के हर वर्ग के लिए अच्छा है, सरकार ने जो बेहतर हो सकता था वह किया है, और पिछले वर्ष की तुलना में 7.2% की बढ़ोतरी भी एक प्रशंसनीय कार्य है। फिक्की फ्लो
पूर्वाध्यक्ष जो महिला चैप्टर है उनके द्वारा महिला व बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री सुपोषण योजना माँ और बच्चे दोनों की सेहत को सुधारेगी। इसके अलावा कन्या मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी मील के पत्थर साबित हुए। ऐसे बहुत सारे तबके के अलग अलग तबके के लोगों ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये प्रतिक्रियाएं इस बात को बताती हैं कि सरकार की कार्य योजना एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और सरकार सकारात्मक माहौल में कार्य कर रही है और सकारात्मक माहौल के परिणाम भी स्वाभाविक रूप से सकारात्मक ही होंगे। पिछले 4 वर्ष के दौरान महोदय जो कार्य किए गए, हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर जो कार्य वर्षों में नहीं हो पाए, लेकिन 4 वर्षों के दौरान ये सभी रास्ते पे आते हुए दिखाई दिए। और हम लोगों ने इस बारे में कहा था जब 2017-18 में प्रदेश सरकार ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया था, तब हम लोगों ने 2017-18 के बजट के बारे में कहा था कि हम इसे किसानों को समर्पित कर रहे हैं। 18-19 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को समर्पित किया था। ODOP की जो योजना देश की आज लोकप्रिय योजना है, वह उसी समय हम लोगों ने फरवरी 2018 में उस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर कमलों से प्रदेश के अंदर लागू किया था। आज उसके बेहतर परिणाम आए हैं, प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा है, परंपरागत उद्योग एक बार फिर से पुनर्जीवित होता हुआ दिखाई दिया है, एक नई संभावना रोजगार की और विकास की प्रदेश के अंदर उसके माध्यम से देखने को मिली है। 19-20 का बजट हम लोगों ने प्रदेश की मातृशक्ति को समर्पित किया था और 20-21 का युवाओं की शिक्षा, उनके कौशल विकास, रोजगार, मूलभूत आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जो कार्य थे उनको एक नई गति देने के लिए उसको समर्पित किया था। तो 21-22 के बजट का थीम भी प्रदेश सरकार ने बहुत स्पष्ट भाव के साथ रखा कि प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास को ध्यान में रख करके ये बजट प्रदेश के विभिन्न तबके के स्वावलंबन और सशक्तिकरण को समर्पित है और इस बजट को इसी रूप में पूरे प्रदेश ने और पूरे देश ने लिया है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्त आयुक्त को और वित्त विभाग की पूरी टीम को, वित्त के हमारे राज्य मंत्री और पूरी टीम को, विभिन्न विभागों ने जो समय पर सभी मंत्रियों ने समय से अपने विभाग की योजनाओं को इसमें शामिल करवाया है, इसके लिए सबको हृदय से बधाई देता हूं। एक अच्छे बजट को प्रस्तुत करने के लिए एक थीम के साथ बजट आगे बढ़ा। महोदय, बजट प्रस्तुत करने के साथ ही इससे पहले वो उपलब्धियां जो अलग अलग समय में अलग अलग थीम के साथ कार्य किया गया उसके परिणाम भी हमारे सामने है। हम सब जानते हैं प्रदेश कहां था, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, पहला बजट जब सदन में प्रस्तुत किया गया था तब भी मैंने कहा था उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से बजट बहुत छोटा है, हमें इसके दायरे को बढ़ाना होगा। लेकिन बजट के दायरे को बढ़ाने से नहीं काम चलेगा, अपनी आय को भी बढ़ाना पड़ेगा, वित्तीय अनुशासन का ध्यान में रखना पड़ेगा, फिजूल खर्ची को रोकना पड़ेगा, लीकेजेज जहां भी होंगे उसको हर हाल में नियंत्रित करना पड़ेगा और उस दिशा में पूरी सरकार पूरा तंत्र एक साथ जुटा, उसके परिणाम भी सामने आए। ये पूरे प्रदेश के लिए, कहां था प्रदेश आज से 4 साल पहले, प्रदेश कहां था आज से 4 साल पहले, देश और दुनिया उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में मानता था। उत्तर भारत के जिन 4-5 राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता था उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर था। और आज मैं आ रहा हूं आंकड़े में, सुन लीजिए आप अपनी बात को, थोड़ा धैर्य धीरज रखिए। महोदय, बीमारू राज्य था 4 साल पहले, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीमारू राज्य इसलिए था, इतनी बड़ी आबादी के राज्य का बजट कितना था, 2 लाख करोड़ का।
उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ की आबादी, 22 करोड़ की आबादी उस समय थी, और बजट कितने का था? 2 लाख करोड़ का। ऊंट के मुंह में जीरा। यानी इतने बड़े प्रदेश के लिए हमें गांव के विकास के लिए, नगरों की बुनियादी सुविधाओं के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, अलग अलग तबके के लिए भी योजनाएं बनानी। लेकिन जब बजट ही नहीं होगा, इनकम बढ़ाने पे जोर नहीं दिया, और जोर इसलिए भी नहीं दिया जाता था, अगर हम उसमें आना प्रारंभ करेंगे कि इनकम कहां कहां से बढ़ी है और कैसे कैसे बढ़ी है, मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा, तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगे। लेकिन ये तो सच है ना कि 2015-16 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था ना। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं है तो कोई भी बाहरी निवेश आपके यहां नहीं आ सकता, नहीं आएगा। और आज कहां है? दूसरे नंबर पर। शासन के चेहरे बदले हैं, तंत्र वही है, सब कुछ वही है, सोर्स ऑफ इनकम भी वही है, हमने कार्य पद्धति बदली है, एक विश्वास लोगों के मन में पैदा किया है। महोदय अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, अभी कह रहे थे ना, मैं भी बजट पे चर्चा, तो अभी प्रारंभिक शुरू हो रही है, तो अर्थव्यवस्था को भी सुन लीजिए, कह रहे हैं सब कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे आश्चर्य होता है, मुझे 15-16 में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी, देश की 5वीं अर्थव्यवस्था मानी जाती है, 5वीं-6वीं नंबर पे था, आबादी में नंबर 1, 20 से 22 करोड़ की आबादी उस समय थी, अर्थव्यवस्था देश की 5वीं अर्थव्यवस्था। कोई भी आता था हमारे यहां, विदेशी राजदूत आते थे, कोई राष्ट्र प्रमुख आता था, हमारी उनसे बातचीत होती थी, या कोई निवेशक आता था, तो हम लोग उनसे किस बारे में चर्चा करते, हम कहते थे भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। उनके अद्वितीय पंक्ति सुनने की उत्सुकता क्या होती थी, वो ये मानते थे कि हो सकता है सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी होगी, लेकिन हम कहते नहीं, हम 5वें-6वें नंबर पर हैं, तो वो थोड़ा बैक होता था। क्या थी प्रदेश की कुल जीडीपी कितनी थी? 10,90,000 के आस लाख करोड़ रुपए की थी, 10.90 लाख करोड़ की प्रदेश की कुल जीडीपी थी। और महोदय 4 वर्ष के अंदर, ज्यादा समय नहीं हुआ, मात्र 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और हमारी इनकम कितनी हुई है? हम 10,90,000 करोड़ रुपए से अब बढ़कर के कहां पहुंच गए हैं? 21,73,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की है। अगर ये 4 वर्ष में दुगने से ज्यादा हुई है, इंतजार करिए 2022 के बाद, जब 5 वर्षों के लिए हम लोग फिर आएंगे ना, उत्तर प्रदेश देश की पहली इकोनॉमी बनेगी। टीम उसी पहली इकोनॉमी के लिए कार्य करने जा रही है। अब सुन लीजिए, प्रति व्यक्ति आय सुन लीजिए, आप लोगों ने क्या बना दिया था यूपी को, यहां पलायन हो रहा था, लोग भाग रहे थे, लोगों के पास कोई सहारा नहीं था, सब लोग चिंतित थे। कोरोना में भी बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि, और सभी को ये लगता, यूपी के बारे में जो एक परसेप्शन बन चुका था, लोग कहते थे क्या होगा, मैं कहता निश्चिंत रहिए, यूपी चेंज हो चुका है, ये नए भारत का नया यूपी है, अब घबराइए मत,
यूपी में हम लोग अच्छा करेंगे। मैंने कोरोना के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए थे ना, वो आंकड़े मेरे नहीं थे, वे भारत सरकार के आंकड़े थे, दुनिया के विशेषज्ञों के आंकड़े थे। अपने आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं भारत सरकार के हैं और देश के सभी प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के आंकड़े दे रहा हूं। महोदय, प्रति व्यक्ति आय 15-16 में कितनी थी? 43,000 उत्तर प्रदेश के अंदर, और आज लगभग 95,000 है। 4 वर्ष ये चेंज, ये परिवर्तन है, ये है परिवर्तन। क्या कुछ हुआ नहीं उत्तर प्रदेश में? क्या कुछ हुआ नहीं है उत्तर प्रदेश में? मैं कह रहा हूं ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये दुनिया के वित्तीय संस्थाओं के डाटा हैं, और ये आंकड़े प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं, ईज ऑफ लिविंग को भी बेहतर करने का जो कार्य हुआ है, हर एक फील्ड में जो कार्य हुआ है उसके परिणाम ही। वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, नेता प्रतिपक्ष जी कम से कम इसके बारे में आप मान के चल लेते, देख लेते, कुछ तो सोचे होते कि अपने मित्र की बात को आप कैसे काट रहे हैं। यानी मित्रता को आप हमेशा धोखा ही देते, अपने मित्र को धोखा देते हैं हम लगता है। अच्छा, वर्मा जी बहुत सारी बातों को पेट में रखते हैं, बोलते नहीं। महोदय, ईज ऑफ लिविंग में कितना परिवर्तन हुआ, कहां हम ले जाना चाहते हैं देश को? 1947 से लेकर के 2014 तक अगर अटल जी के 6 वर्ष के उस कालखंड को छोड़ दें, तो ईज ऑफ लिविंग के बारे में पिछली सरकारों ने देश के अंदर भी क्यों नहीं सोचा था? और मैं पूछना चाहता हूं, प्रदेश के अंदर भी क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? आज तो बजट में ईज ऑफ लिविंग के बारे में चर्चा हुई, प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य तय किया है 2022 तक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, एसईसीसी की सर्वे के अंतर्गत जो भी व्यक्ति 2012 में आया है 2022 तक हर हाल में उसको छत, सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध कराएंगे, एक आवास उपलब्ध कराएंगे। आवास 4 वर्ष में 40,00,000 लोगों को आवास मिल जाए, ये प्रदेश के अंदर हुआ है। 4 वर्ष में 1,38,00,000 लोगों को विद्युत के निशुल्क कनेक्शन मिल जाए, ये प्रदेश के अंदर हुआ है। हर गांव की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, ये प्रदेश के अंदर हुआ है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हमारी बेहतर हो जाए। अब नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे हम भी करना चाहते थे, लेकिन किए क्या? किए तो नहीं ना, करना तो चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, इसलिए जनता ने कहा कि भाई देखो आपके बस का है नहीं, आप जहां के लायक वहीं बैठो। और हम लोगों ने प्रदेश के भावों का सम्मान किया, और पहले दिन से हम लोग इस बारे में कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश तो संभावना वाला प्रदेश है। ये लोग क्या कहते थे, यहां कुछ नहीं हो सकता, यहां कुछ नहीं हो सकता, यहां तो जो सपा का नेतृत्व, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व जो तय करेगा वही हम लोग करेंगे, बाकी मैं तो देख के ताजुब कर रहा था। महोदय, जब मैं मुख्यमंत्री कार्यालय बैठने के लिए गया, जाने लग गया, मुख्यमंत्री कार्यालय की क्या स्थिति थी? शास्त्री भवन की क्या दुर्गति कर रखी थी? मैंने पूछा वहां पे, मैंने पूछा भी क्या यहां पे श्रीमान जी पूर्व मुख्यमंत्रीगण आते थे कि नहीं आते थे?
सभी लोगों के चेहरे झुके हुए थे, सभी लोग कुछ नहीं मौन थे। बाद में एक सज्जन मुझे बोले कि वह तो कभी कभार। मैंने कहा कभी कभार का मतलब? कहा साल में एक आध बार। तो मैंने कहा अगर मुख्यमंत्री साल में एक बार दो बार ही कार्यालय आएगा तो प्रदेश का बेड़ा गर्क तो होना ही होना है। और यही होता था, यही होता था। कुछ लोग ऐसे थे जो 10 मिनट के लिए कैबिनेट की बैठक के लिए जाते थे, बाकी गायब, बाकी गायब। और फिर सपना देखते थे बड़ा, उत्तर प्रदेश को हम यूरोप बना देंगे। उसका कोई रोड मैप नहीं। योजनाएं बनती थी स्वयं के लिए, परिवार के लिए। दायरा कभी बढ़ा नहीं पाए आप लोग, दायरा बढ़ा नहीं पाए, उस सोच से बाहर नहीं निकल पाए। आपने ठीक कहा कि समाजवादी पार्टी ने, मैं कभी कभी बहुत अच्छे महापुरुष इसमें पैदा हुए थे। आचार्य नरेंद्र देव का कौन नहीं सम्मान करता है, जयप्रकाश जी का सम्मान कौन नहीं करता है, डॉक्टर लोहिया का सम्मान कौन नहीं करता है, चंद्रशेखर। मैं गाली नहीं देता तो कल हाथरस में भी साबित हुआ है। कल सोशल मीडिया में दिन भर चल रहा था कि टोपी वाला कौन, ये हाथरस की घटना ने कल इस टोपी के बारे को, इस टोपी को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। कल हाथरस में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, क्या समाजवादी पार्टी का उस अपराधी से कोई संबंध नहीं है क्या? और क्या हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है? मैं यही पूछना चाहता हूं, क्यों जुड़ जाता है? ये कौन सी स्थिति है, ये कौन सी मजबूरी है? मैं वही कह रहा हूं ना, ये तो ये था। अरे आज वहां पे कोई रैली आपकी, आज रैली है ना कोई? जब संसद में, जब विधानसभा में उसका प्रलाप होगा, ये जो उसका बात कर रहे हैं, ये भाजपा के सांसद के साथ बैठे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूँ, आज वहां पे समाजवादी पार्टी की एक रैली है और रैली के पोस्टर उस अपराधी के द्वारा लगाए गए हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ लगाए गए हैं, ये क्या साबित करता है? ये क्या साबित करता है? तो मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैंने तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि मैंने तो उस एक मासूम बच्चे की, आप सुनिए ना, देखिए मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा, हम किसी की बात को, आपका भी सम्मान कि आपने जब कही तो मैंने आपसे कहा, सम्मान है। देखिए आप लोग सम्मान करते हैं सदन का, नेता सदन का, उस कुर्सी का, लेकिन असत्य का हम लोग सम्मान नहीं कर सकते। आपने जो बात कही मैं उसका बात कर रहा हूं। ये फोटो देखिए आपका, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका एमपी ना हो और वो मगरी ना हो साथ में, मैं पूछना चाहता हूं, आज समाजवादी पार्टी का सम्मेलन है पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सम्मेलन में उस अपराधी के द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के साथ लगाए हैं उसने, सम्मान हम लोग करते हैं तो सम्मान को हम लोग दीजिए। आप महोदय, ये होल्डिंग और जो पोस्टर वहां अलीगढ़ में लगे हुए हैं किसके हैं और क्यों लगाए गए, कैसे लगा दिए गए? बाकी लोग क्यों चिल्ला रहे? एक दिन में नहीं लगे हैं, आज इनका सम्मेलन है वहां पर और उस सम्मेलन में वो पीड़ित बालिका भी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि उस अपराधी का संबंध किससे है। हम सच को एकदम झुठलाना चाहते हैं, हम सच को भी यानी धूल झोंकना चाहते हैं। समाजवादी आंदोलन को आपने एक अस्वाभाविक, अव्यवहारिक और एक अमानवीय
आंदोलन बना दिया। और महोदय इसीलिए लोग इसके बारे में अलग अलग चर्चाएं करते हैं, वैसे चर्चा नहीं करते, सच को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं इन लोगों में। कोई इन लोगों में न सच को स्वीकार करने की क्षमता है और न आदत ही है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने प्रदेश को चलाने का प्रयास किया अलग अलग तरीके से, और मैं इसीलिए महोदय कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बजट के जो प्रावधान किए हैं, ईज ऑफ लिविंग के लिए जो व्यवस्थाएं प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्षों के अंदर हुई, ये केवल व्यक्ति के जीवन की सुगमता का ही आधार नहीं बना, सुगमता के साथ साथ उसकी प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ाने का आधार ही बना है। आवास के माध्यम से, विद्युत के कनेक्शन के माध्यम से, या फिर उसको राशन की पोर्टेबिलिटी की सुविधा देने के माध्यम से, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने के माध्यम से, या फिर किसी भी फील्ड में हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के भी, हर एक व्यक्ति को आशंका थी। उत्तर प्रदेश कोरोना के दौरान इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबर आएंगे, क्या होगा इनका? हमने कहा उत्तर प्रदेश में आप चिंता मत करिए, उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश उनको सम्मान के साथ लेगा भी और सम्मान के साथ उनकी व्यवस्था भी करेगा। हम लोगों ने दोनों काम भी किए, और आज मुझे प्रसन्नता है कि हमारा जो प्रवासी कामगार और श्रमिक आया, किन्हीं मजबूरियों के कारण उसको बाहर जाना पड़ा होगा, लेकिन आज वो प्रदेश के अंदर ही, ज्यादातर प्रदेश के अंदर ही रोजी रोजगार के साथ जुड़ चुका है और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। उनका योगदान ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए आधार बन रहे हैं। ये हम लोगों को ये कार्य उस देश से हम लोगों ने आगे बढ़ाए। गांव गांव को सड़कों के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है, पेयजल की स्कीम, हर घर नल की योजना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितना बड़ा कार्य होने जा रहा है। अब ये कहेंगे कि तो समाजवादी पार्टी भी करना चाहती थी, देखिए एक बात बताऊं मैं, 1947 से लेके 2017 तक प्रदेश में केवल 2% से कम लोगों को हर घर नल की योजना के साथ जोड़ा गया था ग्रामीण क्षेत्र में, और 2017 से लेकर के अब तक हम उसको 10% तक पहुंचा चुके हैं। और याद करना, मैं इसको बोल रहा हूं, फिर 1 साल के अंदर हम चुनाव में जाने जा रहे हैं, अगले 9 महीने के अंदर हमें चुनाव में जाना है। अगले 9 महीने के अंदर देखना, बुंदेलखंड क्षेत्र में, बिंद क्षेत्र में, और अभी कुछ ही दिनों के अंदर 30,000 राजस्व गांवों की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के हम लोग आ रहे हैं, एक साथ पाइप पेयजल की स्कीम इन सब में हम लागू करने जा रहे हैं, सब में लागू करने जा रहे हैं। और योजना जो लागू होगी वो एक दिन के लिए नहीं होगी, 10 वर्षों तक उसके रख रखाव की जिम्मेदारी भी कार्यदायी संस्था को निभानी पड़ेगी। जल जीवन मिशन, हर घर नल की योजना, और पहले ग्रामीण क्षेत्र में था, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने यूनियन बजट में भी जल जीवन मिशन को शहरी क्षेत्रों के साथ जोड़ने का भी काम किया है, और शहरी क्षेत्र की भी हमारी कार्य योजना तैयार हो चुकी है, उसको भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। यह है विकास का रोडमैप, ईज ऑफ लिविंग का। आखिर लोग अच्छी सड़क चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, उनको शुद्ध पेयजल मिल जाए। शुद्ध पेयजल आपके लिए एक एजेंडा हो सकता, हमारे लिए उसके जीवन की सुगमता के साथ साथ उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी चाहिए आवश्यक, उत्तम स्वास्थ्य। नेता प्रतिपक्ष भी और आप भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस की बीमारी के बारे में आप सब जानते हैं।
अलग विषय है कि अभी चिकित्सा शिक्षा मंत्री का दायित्व आपने संभाला, लेकिन संवेदना कभी उन बच्चों के प्रति नहीं आपने व्यक्त की, जबकि मरने वाले 90% बच्चे दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के थे। आप वोट बैंक तो बनाने का बात करते थे, कभी नहीं उसके बारे में आप लोगों ने चिंता व्यक्त की। और इंसेफ्लाइटिस 1977 से गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के साथ साथ 38 जनपद ऐसे थे जहां पर इंसेफ्लाइटिस से बड़े पैमाने पे मौतें होती थी। उस पे हम 1998 में पहली बार मैं सांसद बना था, हम लोगों ने इसके लिए कार्यक्रम प्रारंभ किए, आंदोलन किए, संसद में मैंने कई बार इस मुद्दे को रखा और मुझे लगता हर संसद के सत्र में मैं इस मुद्दे को रखता भी था। हम लोगों ने इस पे व्यापक रूप से सरकार के संज्ञान में इन सब बातों को रखने का प्रयास भी किया, लेकिन महोदय इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान करने में आज हम सफल हुए हैं और 95% मौतों को रोकने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। दो योजनाओं में इसने बहुत बड़ी भूमिका का निर्माण किया, एक स्वच्छ भारत मिशन, हर घर तक शौचालय पहुंचाने का कार्य, इज्जत घर उसका नाम ही रखा गया। ये उस व्यक्ति उस परिवार की महिला की गरिमा की रक्षा का भी आधार बना, लेकिन साथ साथ एक गरीब के स्वास्थ्य को भी आरोग्यता प्रदान करने का भी एक आधार बना है। और स्वच्छ भारत मिशन में हम लोगों ने दोनों को फोकस किया था, स्वच्छता को भी किया था और साथ साथ शुद्ध पेयजल को भी आधार बनाया था। अंतर विभागीय समन्वय उसी का आधार है और उस कार्यक्रम को हम लोगों ने इसी रूप में आगे बढ़ाने का काम किया। ये काम पिछली सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन जब गरीब के लिए सोच हो तब ना, जब गरीब के बारे में कोई एजेंडा हो तब ना। इन 40 लाख गरीबों को पहले भी आवास मिल सकता था, 1,38,00,000 लोगों को पहले भी विद्युत के कनेक्शन मिल सकते थे, इन लोगों को पहले भी अन्य सुविधाएं मिल सकती, रसोई गैस के कनेक्शन इन गरीबों को पहले भी मिल सकते थे। प्रदेश के अंदर जिन 56 लाख गरीबों को रसोई गैस के सिलेंडर मिले हैं, पहले भी दिए जा सकते थे। हर परिवार के पास राशन कार्ड पहले भी उपलब्ध कराया जा सकता था, लेकिन जब एजेंडे का हिस्सा हो तब ना, जब उसके बारे में एक सोच हो तब ना, लेकिन वह नहीं था। हर क्षेत्र में बैंक की सुविधा, और अब तो हर ग्राम पंचायत में हम लोग बीसी सखी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी की नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम चरणों में लेकर के आ गए हैं। अब गांव के व्यक्ति को अपना पैसा निकालने और पैसा जमा करने के लिए गांव के 5 किलोमीटर दूर बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अपने ग्राम पंचायत के अंदर ही वीसी सखी उसको ये सुविधा उपलब्ध कराएगा। ये सभी कार्य ईज ऑफ लिविंग में है, हर व्यक्ति के जीवन यानी केवल व्यवसाय की ही सुगमता नहीं होगी, बल्कि हर व्यक्ति को जीवन की सुगमता के साथ जोड़ने का काम भी, ईज ऑफ लिविंग के साथ भी जोड़ने का काम हम करेंगे। और ईज ऑफ लिविंग का आधार है 2021-22 का यह प्रदेश सरकार का यह बजट, जिसको हमारे वित्त मंत्री जी ने यहां पर प्रस्तुत किया। महोदय, किसानों के बारे में बड़ी चर्चा होती है और बहुत चर्चा पहले दिन से हम लोग सुन रहे हैं और अलग अलग चीजें अलग अलग बातें। मैं सोचता था कि नेता प्रतिपक्ष इस दौरान हमें हो सकता है सदन के दौरान राम रतन का हलवा खिला ही देंगे, लेकिन लगता है कि खिलाने की उनकी आदत है नहीं। मैंने सुना एक बार उन्होंने खन्ना जी को, मैंने खन्ना जी से कहा था, मैंने कभी आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, आपको दलीय नेताओं के घर में जाके कभी कभी जाके उनके हालचाल लेना चाहिए, भोजन भोजन करके आना चाहिए। उन्होंने कहा नेता प्रतिपक्ष मुझे एक बार भोजन पे बुलाए थे, भोजन कराने के बाद बाटी चोखा का दावत देने के बाद में कहने लगे कि बर्तन साफ करते हुए तो जाइए। तो कहा कि जब ऐसा कार्य करने लग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, यानी कुछ देंगे नहीं। आप बातें बोल लेना। हाँ,
आपने उस संदर्भ में कहा जो कॉन्ट्रैक्ट खेती के संदर्भ में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संबंध में आपने कहा था। हलवा सही में उसका सुंदर है और चरण बाबा का भोग लगता है, लेकिन उसने कहा क्या कि मैं मार्केट से गाजर खरीदता हूँ और बर्तन कहा हो मेरे को खड़ा होकर बताइए, खड़ा होकर बताइए ना, खड़ा होकर कहे ना जो माननीय नेता सदन ने कहा, क्या वो सही है? एक मिनट, माननीय नेता सदन वहां के किसान से भी जाके सूचना विभाग के लोगों ने पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट खेती करते हो? कहना हमारा तो अपना खेती अपना करते हैं। और दुकानदार ने भी कहा कि मैं मार्केट से किसानों से खरीदता हूं, हम कोई कॉन्ट्रैक्ट खेती नहीं करते। अब आपको हलवा खाने का है तो हम, मैं जब सदन बंद होगा मैं जाऊंगा तो आपको लेकर पहुंचा दूंगा। मान लो अखिलेश यादव की है वो हमेशा हलवा आता था, श्रीमती इंदिरा गांधी की अभी हलवा जाता था, आपके यहां भी आ जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खेती का जो आपने संदर्भ दिया था वो सत्य से बिल्कुल परे था, दुकानदार ने नकार दिया, किसान ने नकार दिया। बर्तन साफ करने वाले तो मैं कहा तू कहे को अध्यक्ष जी, हमने इतिहास में एक व्यक्ति का नाम अच्छे अर्थों में नहीं लिया जाता, उसने ये कहा था कि जिसने 30 बसंतें बिताई हो, यानी 30 साल की जिसकी उम्र हो, वो कम से कम उसकी बुद्धि जो है वो परिपक्व हो जाती है। लेकिन माननीय मैं बड़े आश्चर्य के साथ कहता हूँ कि माननीय नेता विरोधी दल तो मैं समझता हूँ कि 70 बसंतें बिता चुके हैं माननीय, और उन्हें कम से कम इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि नेता सदन ने किस परिप्रेक्ष्य में और क्या कहा माननीय, तो उनको इस बात का एहसास हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ से 70 बसंतें जीतने के बाद भी, अरे बर्तन वाली बात पर आइए ना, धोने बर्तन वाली बात समझ नहीं पाए क्या करें। नहीं मुझे नहीं, मैं पूरे सदन को खिलाएंगे तो मैं भी खाऊंगा, मैं अकेले नहीं जाऊंगा खन्ना जी की तरह। अतः आप जब खिलाते हैं ही नहीं तो फिर कैसे जाएंगे? ये बात सही, ये आपका कहना सही, यही तो हम कह रहे हैं। अगर आप खिलाए होते तो आप भी कभी हम लोगों को नहीं खिलाया। नहीं नहीं, मैंने तो बहुत बार बुलाया, आप भी कभी हम लोगों को आमंत्रित नहीं किया कि खाना तो खाना है कि चाय पी लो तुम। देखिए जितने भी अतिथि मुख्यमंत्री आवास पे आते हैं, मुख्यमंत्री आवास पर आने वाले हर अतिथि के निमंत्रण का पहला निमंत्रण नेता प्रतिपक्ष को जाता है और बड़े सम्मान के साथ जाता है। और नहीं, हर सरकार की बात नहीं, ये औपचारिकता से भी हट करके जाता है। तो महज ये राम रतन का हलवा अगर नेता प्रतिपक्ष सभी सदस्यों को, माननीय सदस्यों को खिलाए होते तो संभवतः कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में वे प्रश्न सदन में नहीं उठाते, ये नहीं उठाते, क्योंकि इनके विधानसभा क्षेत्र में ही सहतवार कस्बे में सब होता है। और वास्तव में ये तो हम दो लोगों की आपसी सहमति के आधार पर होता है, पुराने समय में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई लिखित दस्तावेज के आधार पर नहीं होता था। ये तो बात में समय के अनुरूप बदला है, लोग मॉडर्न होते गए, नई तकनीक आती गई, पहले लोग सादे कागज में लिखते थे, पहले केवल एक बड़े बुजुर्गों के सामने सारी बातें हो जाती थी, बाद में कागज के टुकड़े में लिख करके सहमति हो जाती थी, फिर स्टैंप पेपर में हो गया, अब ई स्टैंप आ गया है। तकनीक बदली है, समय बदलता है, और ये दशकों से चला आ रही परंपरा, किसी किसान की आज तक खेती नहीं ली गई लेकिन किसान की आमदनी जरूर बढ़ी है। बैद्यनाथ ने ऐसी क्रांति बुंदेलखंड क्षेत्र में की, उन्होंने ढिंडोरा नहीं पीटा जबकि इसका खूब प्रचार होना चाहिए था, जिससे अन्य लोगों की भी आमदनी को हम उसके साथ जोड़ करके अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकते, नहीं किया गया।
ये किसानों के हित में होता है। लेकिन ये सब भी नहीं हुआ। आज जब उसको कानूनी स्वरूप देकर के किसानों की आमदनी को बढ़ाने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है, तो उसको हमें गुमराह करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, गलत मोड़ नहीं देना चाहिए। और फिर एक विकल्प दिया गया है, बाध्यता नहीं है, आपकी मर्जी आप करिए, नहीं मर्जी मत करिए। लेकिन इसके नाम पे टारगेट करना किसी को, यह अन्याय है। किसानों के साथ भी है और मुझे लगता है कि देश के साथ भी है। भारत के अन्नदाता किसानों को भारत के सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने पूरा महत्व दिया। हमारी सरकार तो जब आई, हमने पहली कैबिनेट तब तक नहीं की जब तक हम लोग प्रदेश के अंदर लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख तक के कर्जे को माफ करने की कार्य योजना नहीं तैयार कर पाए। और पहली कैबिनेट में हम लोगों ने वही प्रस्ताव लेकर के लोग आए थे, पहली कैबिनेट में वही प्रस्ताव हम लेकर आए थे। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे चलाया। अब उस किसान के बारे में कोई हमसे कहे सर्टिफिकेट हमें देने लग जाए कि साहब किसान ये कर रहा है, किसान वो कर रहा है, किसान के साथ ये हो रहा है। मंडियों को ई नाम से जोड़ने, वन नेशन वन मार्केट की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने ई नाम से जोड़ने की कार्रवाई की। यह अपने आप में एक नया परिवर्तन है, समय के साथ सबको जोड़ने का प्रयास। और कैसे हम उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, यह कार्य सरकार के इस दौरान यहां पर मजबूती के साथ आगे बढ़ाए गए। और महोदय, उसी दिशा में सरकार ने ये योजना बनाई, खाद्यान्न की प्रोक्यूरमेंट की हो या उन योजनाओं के साथ किसानों को जोड़ने की, सॉयल हेल्थ कार्ड का हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कितना व्यापक परिवर्तन इस क्षेत्र में हो रहा है। दशकों से लंबित परियोजनाओं को एक साथ पैसा देकर के पूरा कराया जा रहा है। ये किसानों की आमदनी को, लागत को कम करेगा, आमदनी को बढ़ाएगा। किसान की आमदनी तब बढ़ेगी जब लागत कम होगी, आमदनी बढ़ेगी। एमएसपी के लिए क्रय केंद्र स्थापित करेंगे, हमारी मंडियां चलेंगी। लेकिन मंडी के साथ साथ किसान को हम बाध्य नहीं कर सकते कि आपको सरकारी मंडी में ही लेके आना है। अगर कृषि मंडी में उसे दाम एमएसपी के बराबर मिल रहा है, 1975 रुपए गेहूं का दाम अगर मंडी में 1975 रुपए है और मार्केट में अगर कोई व्यापारी उसे 2500 देना चाहता है, तो किसान स्वतंत्र होगा 2500 रुपए में अपना गेहूं बेच करके आ जाए, कोई उसको रोकेगा नहीं। मंडी के अधिकारी, मंडी का कोई कर्मचारी वहां छापामारी करने के लिए नहीं जाएगा, कोई अतिरिक्त टैक्स, कोई टैक्स लेने के लिए नहीं जाएगा। आज तो ये सुविधा किसानों को दी जा रही है, लेकिन किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसानों को तमाम प्रकार से गुमराह करने का कार्य हो रहा है। यहां पर चीनी मिलों की चर्चा हो रही है। महोदय, प्रदेश के अंदर मुझे सदन को बताते बहुत प्रसन्नता की अनुभूति है कि अब तक हम लोग 1,25,261 करोड़ रुपए की गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को कर चुके हैं। ये 19 मार्च तक के डाटा हैं। 1,25,261.48 करोड़ रुपए ये प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। पेराई सत्र 2021 में हम सब जानते हैं COVID-19 का प्रकोप था, तब भी हमने चीनी मिलें चलाई, 119 चीनी मिलें चली, जून तक चीनी मिलें चली। हम भी जानते थे कि तो गन्ने में अब रस कम है, चीनी मिल के लिए घाटे का सौदा है, लेकिन अन्नदाता किसान को परेशानी न हो। किसान हमारी शीर्ष प्राथमिकता है, किसान के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता चीनी मिलें चलेंगी तो रोजगार भी इससे सृजन होगा और किसान का गन्ना भी चीनी मिल में जाएगा तो किसान के पास पैसा आएगा। यह कार्य पहली प्राथमिकता किसान
कि गन्ने की फसल की सुरक्षा और उसको उसका भुगतान हो। और महोदय अगर हम केवल 19-20 का हम देखेंगे तो अब तक 98.5% गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों का हो चुका है, मात्र 538 करोड़ रुपए का बकाया है। अभी हम लोग जो करंट सत्र में जो गन्ना मूल्य का भुगतान हो रहा है इसमें 10,757 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है, 52.5%। यानी कोविड-19 के बावजूद एक्सपोर्ट की संभावनाएं कम दिखती हैं, उस सब के बावजूद करंट सीजन में 10,757 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, 9,700 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का करंट सीजन का बाकी है, जिसको तेजी के साथ भुगतान करने के साथ जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। यह है किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का आधार। हमने ज्यादा हम लोग जब 17 में आए थे 2011-12 से गन्ना मूल्य का भुगतान बाकी था। और जहां तक आप पूछ रहे थे क्या किया गन्ना किसानों के लिए, अगर मैं एक तरफ से आपको बताने लग जाऊंगा, रामकोला की चीनी मिले 2007-08 में बंद थी, लक्ष्मीगंज 8-09 में, देवरिया 7-08, भटनी 7-08, बेतालपुर 8-09, साहगंज 7-08, बुड़वल 7-08, घाटमपुर 9-10, छाता 9-10, औराई 7-08, धुलियापार 7-08, कमलापुर 9-10, सठियाओं 7-08, मझोला 10-11, दरियापुर 9-10, गांगलहेडी 11-12, मंझावली 11-12, पिपराइस 8-09 और कुआया 11-12। और 12 से लेकर 17 के बीच में जो चीनी मिलें बंद हुई महोदय, उनमें पडरोना, टोडरमल, सहारनपुर, अमरोहा, बघोली, सरदार नगर, खलीलाबाद, रसड़ा, बस्ती, गोपीगंज, बुलंदसर, ये चीनी मिलें इनके समय में बंद हुई। यानी जो चीनी मिलों को बंद कर रहे हैं वे किसानों के हितैषी हो गए, और जो चीनी मिलों को चला रहे हैं, हम लोगों ने तो चीनी मिलों को चलाया भी है महोदय। कांगलहेडी का चीनी मिल हम लोगों ने 17-18 में संचालन कर दिया, मंझावली 17-18 में, बुलंदसर 17-18 में, पिपराइच और मुंडेरवा ये 18-19 में नई मिले लगाकर के इसका पुनर्संचालन भी कर दिया। यानी हम चीनी मिलों को चला रहे हैं तो हम किसान विरोधी, और ये चीनी कोई चीनी मिलों को बेच रहा है, कोई बंद कर रहा है, ये किसान हितैषी हो गया। ये कहां की कहां का अर्थशास्त्र है, और ये कहां का जो है ये कहां के हितैषी हो गए। यानी हमें देख के मुझे आश्चर्य होता है। लगी 25 चीनी मिले मानी मुलायम सिंह यादव ने प्राइवेट सेक्टर से लगवाया, कहेंगे ही नहीं आप, क्योंकि आप उनसे प्रेम भी रखते हैं, जाते भी जन्मदिन पर उनके। देखिए एक बात बताऊं मैं, उस दौरान जो चीनी मिले लगी उन्हीं पे ही गन्ना मूल्य का भुगतान ज्यादा बकाया है, एक सच्चाई ये भी सुनिए। फिर वही मैं कह रहा हूं, सारी लड़ाई तो बकाये को लेकर के है। दोनों अपने सरकार में लगाई, अखिलेश यादव ने दो लगाई, तो उसको भी कह दीजिए कभी कभी बढ़ाई भी करना चाहिए। देखिए चीनी मिलें क्यों बंद हुई मैं यही पूछना चाहता हूं, हमारे समय में कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई। हमने मैं निगम की भी है चीनी मिलें, हाँ उसके लिए तो वही तो पूछिए ना उनसे, क्या नाम है लाल वर्मा जी से पूछिए इसी के लिए। जब आपके राज में बंद हुई जब आपकी वहां सरकार थी, हमारे जब आपके आप नहीं आपकी जब वहां सरकार थी तो निगम की एक ही चीनी मिले बंद हो गई थी। चलने चाहिए चले आगे। आप जारी रखिए। देखिए विकास का जब एजेंडा होता है तो व्यक्ति विकास में बोलता है, विकास के अनुरूप कार्य भी करता है, लेकिन जब
विकास का कोई एजेंडा ही नहीं होता है तो फिर व्यक्ति के मन में जो आता है वो अपने अनुसार उसको वाचता रहता है, लेकिन तथ्य जब सामने आते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। और ये तथ्य उस जवाब का ही परिणाम है जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो मैंने आपके आपको बताई है कि किस रूप में ये हुआ है। महोदय 2021 में रबी की फसल के लिए गेहूं केंद्र स्थापित करने थे और लॉकडाउन प्रारंभ हो गया था। इस सब के बावजूद हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 5,896 क्रय केंद्र स्थापित किए, 35,76,000 मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किसानों से सीधे किया और 6,885 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान भी किया। खरीफ विपणन जो 2020-21 का ही था, मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत क्रय केंद्रों के लिए, धान क्रय केंद्रों के लिए महोदय अब तक 66,00,000 मीट्रिक टन से अधिक धान का क्रय किया गया और 11,200 करोड़ रुपए से अधिक का ऑनलाइन भुगतान भी किसानों को सीधे किया गया। अब भुगतान ऑनलाइन हो रहा है, ऐसा नहीं कि पहले चेक के माध्यम से होता था या अन्य कारणों से होता था, आज तो वो नहीं है, इस सीधे भुगतान किसानों के खाते में जा रहा है। अब इसको कैसे कह सकते हैं कि पैसा जो है दलालों को जा रहा है या अन्य लोगों को जा रहा है, ये तो किसानों को देने का कार्य। महोदय इसी दौरान 2021 में खरीफ विपणन वर्ष 2021 में 108 मक्का क्रय केंद्र स्थापित किए गए जिसमें 1,06,000 मीट्रिक टन मक्के की खरीद की गई और 197 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अभी मैंने पिछले दिनों सदन में ही अवगत कराया था, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उत्तर प्रदेश को पुरस्कार दिया है भारत सरकार ने। आज के दिन पे 2,42,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पात्रता रखते हैं। एक ही दिन में प्रदेश के किसानों के खाते में 27,123 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में गए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का दायरा बढ़ाया गया, 5,00,000 रुपए की बीमा किसी भी आपदा में किसान, किसान का परिवार, उसका सहयोगी या उसका बटाईदार, ये सभी उसके दायरे में आएंगे। उसको ये सामाजिक सुरक्षा किसानों के लिए एक किसान को दिया जा रहा है और ये सुरक्षा देने के साथ ही इसके दायरे को बढ़ाने का कार्य किया गया है। प्रदेश के हर किसान को जो आयुष्मान भारत की योजना के कारण 11-12 में जो राज्य की सरकारें थी जिनको वास्तव में गरीबों की चिंता नहीं थी, हर किसान को आयुष्मान भारत योजना के अंदर लाने, जो नहीं आ पाया है उसको हम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित करने के लिए भी इस बजट में उसका प्रावधान कर दिया गया है। महोदय 21-22 के इस बजट में किसानों के लिए ही आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। ये किसानों के हित के लिए की जा रही योजनाएं हैं। किसानों को खेती के साथ साथ समय पे बीज उपलब्ध हो जाए, उन्नत तकनीक के बीज मिल जाए, खाद उपलब्ध हो जाए, ये व्यवस्था तो लागू की जाती है, की जा रही है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक व्यवस्था बनाई, खासतौर पर कृषि विज्ञान केंद्रों की एक श्रृंखला प्रदेश के अंदर खड़ी की। कृषि विज्ञान केंद्र बहुत बड़ी बड़ा कार्य करते हैं, कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका बहुत अच्छी और बहुत सकारात्मक है तकनीकी ज्ञान से किसान को जोड़ने के लिए, खेती की विविधीकरण के लिए। भारत सरकार कृषि विज्ञान केंद्र देना चाहती थी, राज्य सरकार लेना ही नहीं चाहती थी। जब 17-18 में 16 के बाद 17 में सरकार आई, 17-18 में हम लोगों ने 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश के अंदर अतिरिक्त लिए। आज प्रदेश के अंदर हर जनपद में लगभग एक कृषि विज्ञान केंद्र, बड़े जनपदों में 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों को कृषि विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ करके तकनीकी ज्ञान से किसानों को आच्छादित करने के सामने प्रयास प्रारंभ हुए हैं, लेकिन साथ साथ
प्रदेश में किसान को पानी भी मिले इसके लिए किसानों को मुफ्त पानी के लिए भी 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इस बजट में अतिरिक्त की गई है, यह भी एक व्यवस्था की गई है। सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत भी बजट में 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी उसके क्रियान्वयन के लिए जो उद्योग लगे थे अब वो फंक्शनल हो चुके हैं उसमें सरकार के द्वारा जो इंसेंटिव दिए जाने हैं किसान को या फिर उद्योग को उसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। केमिकल और फर्टिलाइजर के भंडारण के लिए स्टोरेज के लिए बजट की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। किसानों को नाबार्ड से रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए की योजना का प्रावधान किया गया है और एकीकृत सहकारी विकास के माध्यम से भी सहकारी समितियों के समन्वित विकास हेतु संचालित जो योजना है उसके लिए भी बजट में व्यवस्था की प्रावधान किए गए हैं। ये सब किसानों के लिए किए जा रहे हैं। एक किसान की लागत को कम करने और उसकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने का शासन की योजना का हिस्सा है और इसको समझने की आवश्यकता है, लेकिन उसको समझने की बजाय हम उसको नकारात्मक दृष्टि से लेने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्राम्य विकास की तरफ देखा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी को मिलाकर के 40 लाख गरीबों को 4 वर्ष के दौरान आवास उपलब्ध कराने का कार्य हुआ और साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, यानी लगता है इनके एजेंडे में बहुत सारे लोग नहीं थे, मुसहर जाति, कुशीनगर, महाराजगंज और काशी के आसपास के क्षेत्रों में प्रदेश के बहुत काशी कमिश्नरी जो है, गोरखपुर कमिश्नरी, काशी कमिश्नरी, इसमें काफी बड़ी मात्रा में है और मुझे लगता है बहुत हैंड टू माउथ है। प्रदेश सरकार ने निर्णय किया पहले चरण में कि जहां पे जो मुसहर जाति का व्यक्ति है जहां पे रह रहा है उस जमीन का पट्टा उसको कर दिया जाए। एक गरीब को जीने का अधिकार मिलना चाहिए और अगर वह आरक्षित श्रेणी की भूमि है तो उस आरक्षित श्रेणी की भूमि से उसको व्यवस्थित पुनर्वास करने के लिए कोई सुरक्षित भूमि उसको उपलब्ध कराने का कार्य किया जाए। ये कार्य युद्ध स्तर पर हम लगभग आच्छादन की तरफ बढ़ चुके हैं। मुसहर जाति बन टांगिया देश के अंदर 1910 और 20 के बीच में बनटांगिया गांव बसाए गए थे, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर, पीलीभीत, ऐसे तमाम जिले थे 1947 से लेकर के 1952 में देश ने पहला आम चुनाव किया, 1950 में अपना संविधान अंगीकार किया, उनको मतदाता सूची में भी नाम उनका नहीं चलाया गया। उनके लिए न बिजली, न पानी, न सड़क, न स्कूल, न स्वास्थ्य की सुविधा, न राशन कार्ड की व्यवस्था, न उन्हें पेंशन की सुविधा, कोई सुविधा नहीं मिलती थी। वे सब गरीब थे, सुविधाओं से वंचित थे। हम लोगों ने संसद में उसकी लड़ाई लड़ी थी। 2007-08 में भारत सरकार ने कानून भी बना लिया था, लेकिन इंप्लीमेंट तो राज्य को करना था। और महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 17-18 में बनटांगिया गांव के विकास के लिए हमने योजना बनाई कि उन्होंने राजस्व गांव का दर्जा देना प्रारंभ किया और आज आप जाइए जहां पे एक भी पक्का मकान नहीं था, जहां बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, आज ये सारी सुविधाएं वहां पर मिलती भी दिखाई दे रही। आज उनके पक्के मकान बन रहे हैं, आज उनके चेहरे की चमक को देखिए ना, आज जो व्यापक परिवर्तन हुआ है उस तबके को टच करने का प्रयास हुआ है जो अब तक वंचित था। वे भी दलित ही थे, अति पिछड़ी जाति के थे, आखिर वे आपके एजेंडे के हिस्से क्यों नहीं बन पाए, क्यों नहीं बनटांगियों के लिए काम हुआ? वे प्रदेश के नागरिक थे, वनों के संरक्षण के लिए उन्हें बसाया गया था, नहीं हुआ। थारू
आज भी उनकी कनेक्टिविटी वही स्थिति है। बल्लामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, इन जनपदों में महाराजगंज जिले के कुछ गांव हैं, हमने वहां पे उनको सुविधाएं देना प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री आवास योजना, यानी जब SECC का सर्वे हुआ था उस समय इन लोगों को छोड़ दिया गया था, और जब ये आच्छादन पूरा हो रहा है, इस बार हम लोगों ने बुंदेलखंड की एक दो जातियां जो हमेशा से वंचित रही हैं, क्योंकि उसकी कोई वॉइस नहीं थी इसलिए उन्हें वंचित किया गया था, हम लोग उसको जोड़ रहे हैं। हमने इसमें कोल जाति को भी लिया है, कोल और अन्य जितनी जातियां होंगी, कुछ लोग ही हैं कोल जाति से जुड़े हुए लोग हैं, बुंदेलखंड की उन जातियों को भी हम लोगों ने अब इस योजना से आच्छादित करने का निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री आवास योजना इन लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी। शर्त और नियम वही है, शर्त तो प्रदेश सरकार ने तय की है, लेकिन नियम जिन लोगों के पास आवास नहीं है, जो उस पीएम आवास योजना के अंतर्गत वंचित रह गए, उनको हम आवास की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ये आवास की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है, मुझे प्रसन्नता है। 19-20 में, 17-18 में 16,700 लाभार्थियों को, 19-20 में 34,040 लाभार्थियों को, और 20-21 में 30,250 लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया, और 21-22 के बजट में भी 369 करोड़ रुपए की व्यवस्था मुख्यमंत्री आवास योजना में इन गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए किया गया। गांवों की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 8,847 किलोमीटर कार्य को हम लोगों ने एक नई योजना के तहत लिया है, और इसमें भी 21-22 के लिए 5,000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान इसके लिए कर दिया गया है। महोदय, गांव की स्थिति, गांव हमारे मिनी सचिवालय है, गांव हमारे विकास के आधार स्तंभ है। गांवों के विकास के बगैर हम प्रदेश की और देश के विकास की कल्पना ही नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने कुछ जो गांव बड़े कस्बों में तब्दील हो गए थे उन्हें हमने नगर निकाय के रूप में बदलने का काम किया, लेकिन आज भी 80% आबादी उत्तर प्रदेश की गांवों में निवास करती है, और हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार, अगर हमारे पास अच्छी खेती नहीं होती, जल संसाधन नहीं होते, कोरोना में हमारी अर्थव्यवस्था लुढ़क गई होती। हमारा आधार बना था खेती किसानी, गांव, हमारा युवा, उस दौरान भी उसने अपनी खेती को संभाला, उसकी नौकरी कटी, वो गांव में आकर के खेती में जुट गया, अपना पसीना बहाया, और आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहा है, मजबूती से लड़ रहा है। हम लोगों ने कहीं भी इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं आने दी जहां पर किसी को कहने का कोई आवश्यकता पड़ती हो और कोई ये कहे कि उत्तर प्रदेश लाचार हो चुका है, हताश हो चुका। नहीं, हम लोगों ने तो कभी इस चीज को नहीं माना, हम लोग तो इस बात को मान के चलते रहे हैं कि सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं थकता है, इसके बल पर कर डाले सातों सागर पार। और महोदय, यही उत्तर प्रदेश के विकास का है आधार, यही है हमारा आधार। एक एक तबके के लिए व्यवस्था, हर एक स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्र में, कुछ जगह ग्राम पंचायतों में, जहां पंचायत भवन नहीं, हम ग्राम सचिवालय, ग्राम पंचायत भवन को ग्राम सचिवालय के साथ साथ गांव के सार्वजनिक कार्यक्रमों की व्यवस्था के लिए भी हम लोग एक बड़े व्यापक कार्य योजना के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है। प्रयास किया जा रहा है कि हर एक नया पंचायत में कम से कम इससे छोटे इसके बाद जो गांव बसते हैं उनमें से कोई दो गांव हम लोग लेंगे जिसमें महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर
ग्रामीण विकास सचिवालय के निर्माण की कार्य योजना को हम उसके बाद जो बचेंगे उसके साथ जोड़ देंगे। और मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत भी हम लोग एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। उत्कृष्ट ग्राम पंचायतें, क्या ये हो सकता है कि हम गांव में गांव की पंचायत को गांव के विकास के साथ जोड़ें? अब तो बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर गांव में हो चुका है, गांव के लोगों को, गांव के किसी भी व्यक्ति को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सभी गांव में ही बन सकते हैं। बैंकिंग सुविधा के साथ हम जोड़ रहे हैं, बिजली के बिल को उसके साथ जोड़ रहे हैं कि बिजली का बिल वह दफ्तर में न जाए, किसी कार्यालय में, वहीं पर जाए, अपना बिजली का बिल जमा कर ले। और बिजली के बिल जमा करने के लिए हम लोगों ने महिला स्वयंसेवी समूह को भी व्यवस्था दी है कि वे जमा कराएंगे तो इसके बदले में 12 से लेकर के 20 रुपए पर बिल उसको प्राप्त हो जाएंगे, ये भी सुविधा दे दी गई। कितना व्यापक स्तर पर कार्य हो रहा है, ये प्रोत्साहन की व्यवस्था। और इसी प्रकार से ग्राम पंचायतों में बहुत बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण के लिए भी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत भी जो ग्राम सचिवालय के निर्माण यानी ग्राम जो पंचायत भवनों के निर्माण की कार्रवाई हो रही है, इसके लिए 653 करोड़ रुपए की व्यवस्था अलग से की गई है। एक गांव के विकास की धुरी, ये केंद्र बिंदु एक ये बने, उसको उसके लिए जोड़ा जा रहा है। और ई गवर्नेंस के लिए भी पंचायत सशक्तिकरण के तहत धनराशि की व्यवस्था बजट में कर दी गई है। महोदय, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात चल रही थी और इस पर अनेक चर्चाएं होती हैं, और मुझे लगता है पूरे सदन को इसके बारे में विचार करना चाहिए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और मैं अपील करूंगा पूरे सदन से, 8 मार्च के दिन हर विधानसभा स्तर पर, हर जनपद स्तर पर महिला सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रम होने चाहिए। राज्य सरकार इसके लिए कार्य योजना बना रही है और ये कार्यक्रम करने चाहिए। आधी आबादी को सम्मान मिलना ही चाहिए, हर स्तर पर मिलना चाहिए। उस व्यापक कार्य योजना के साथ हमें जुड़ना चाहिए। हम लोगों ने इसके लिए एक व्यवस्था की है। 2019-20 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपए उन बालिकाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था का कार्य इस सरकार ने प्रारंभ किया था और बजट में 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बार भी की गई है कि इसको कैसे और बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे किसी भी प्रकार से कन्याओं के प्रति भेदभाव को समाप्त किया जा सके। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसी सदन में जब हम लोग इस योजना की घोषणा किए थे तो नेता प्रतिपक्ष नाराज हुए थे, उन्होंने कहा तो गरीबों का अपमान है। और आज 1.5 लाख से अधिक कन्याओं की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हुआ है। और मुझे लगता है सदन सहमत होगा कि सबसे अधिक डिमांड है इस योजना की, यानी इसका मतलब गरीबों से आपको कोई मतलब नहीं, गरीब कन्याओं के बारे में आपके मन में कोई सम्मान नहीं। लेकिन राज्य सरकार ने अपनी कार्य योजना को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया और आज कुछ योजनाएं नई भी हैं। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार की योजनाएं तो थी ही, भारत सरकार की योजनाओं के साथ ही राज्य सरकार अपने स्तर पर भी ऐसे लोगों को चिन्हित करके मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना को भी इस योजना के इसके साथ जोड़ेगी, जिसमें 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों और एनीमिया से ग्रसित जो बालिकाएं हैं, 11 से 14 वर्ष की जो किशोर बालिकाएं हैं, उनके लिए अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए भी प्रदेश सरकार ने बजट में इसका प्रावधान किया है। ये भारत का भविष्य है, ये जो कुपोषित बच्चे हैं
उन कुपोषित बच्चों को सुपोषित करना एक पूरे समाज का दायित्व बनता है और इस दायित्व का बोध सरकार करा रही है, उसी के साथ उन बच्चों को जोड़ रही है। वह बच्चा इस धरती पर आया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। अगर किन्हीं कारणों से किसी ऐसे परिवार में उसने जन्म लिया है जहां उसके पास उस प्रकार की सुविधा नहीं है, तो उसे कुपोषित से सुपोषित करने का दायित्व सरकार निभाएगी। सरकार उस दायित्व के साथ अपने आप को जोड़ेगी और इसलिए बजट में उन किशोरियों के साथ जो भेदभाव होता था, उस भेदभाव को दूर करने के लिए भी हम लोगों ने यह व्यवस्था की। पहले से व्यवस्था चल भी रही है, भारत सरकार के स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत फोकस किया है। याद रखना, ये योजनाएं सफल होंगी तो प्रदेश के अंदर मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर की, शिशु मृत्यु दर की जो रेट है वो अपने आप न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाए, जो अभी डरावने लगते हैं कभी कभी। राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए भी धन की व्यवस्था की गई है और महोदय इस बार हम लोग एक ऐसे नई योजना को भी महिलाओं के लिए चलाने चाहते हैं जिसका एक उदाहरण हमारे सामने बुंदेलखंड में है। ग्राम्य विकास विभाग और भारत सरकार के सहयोग से कार्य योजना वहां पर प्रारंभ हुई थी, बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से। महिलाओं का समूह है और कितना जबरदस्त काम किया है, बहुत अभिनंदनीय कार्य किया है। एक वर्ष में 46 करोड़ का टर्नओवर और 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट 2019 में हमने इसे प्रारंभ किया था और इस प्रकार की कुछ अच्छी योजनाएं प्रदेश के अंदर न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर हम लागू कर सकें, इसके लिए भी बजट में हमने 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है कि सरकार ऐसी महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत ऐसी महिला स्वयंसेवी संगठनों को प्रोत्साहित करने या एफपीओ को प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे। आप समझ सकते हैं, 100 महिलाओं का समूह किसी एक कार्य के साथ जुड़ा हुआ है और एक साल का उनका टर्नओवर 46 करोड़ का पहुंच जाए और प्रॉफिट 2 करोड़ का हो जाए, यह अभिनंदनीय कार्य है। महिलाएं इस कार्य को कर रही हैं, यह अभिनंदनीय कार्य है और यह सशक्त महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। इस कार्य को उस रूप में हमने जोड़ने का काम किया है और महोदय इसके साथ ही निराश्रित महिला पेंशन की योजनाएं, यह कार्य प्रदेश के अंदर इसके दायरे को बढ़ाने का कार्य भी हुआ। मुझे लगता है कि इसमें काफी बड़े पैमाने पर कार्य हुए। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कार्य योजनाएं इसकी बनाई, इसमें भी अभूतपूर्व वृद्धि की गई। आज प्रदेश के अंदर चाहे वह पेंशन धारक जितनी भी पेंशन, चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो या फिर निराश्रित महिला पेंशन हो, इन पेंशन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य भी हम लोगों ने अच्छे ढंग से यहां पर प्रदेश के अंदर किया है। काफी बड़ी संख्या में आज इस समय प्रदेश के अंदर 87 लाख लाभार्थी हैं महोदय, जिसमें निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन योजना और दिव्यांगजन पेंशन योजना से आच्छादित है। कोविड कालखंड के दौरान प्रधानमंत्री जी ने इन सबको एडवांस में, राज्य सरकार ने एडवांस में इनको पेंशन की राशि उपलब्ध करवाई तो 1,000 रुपये उन पेंशन धारकों को अतिरिक्त उस दौरान देने का कार्य भी हुआ। यानी ये सभी कार्य प्रदेश के अंदर इन तीनों पेंशन योजनाओं के माध्यम से करने का कार्य हुआ और साथ ही प्रदेश के अंदर बालिका और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1535 थानों में 350 तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क के निर्माण की कार्रवाई और उसको वहां पे चालू भी कर दिया गया है, ये प्रदेश के अंदर हुआ है। प्रदेश के अंदर अगर बजट के अंदर हम लोग इस बात को देखेंगे महोदय, कुछ कार्य जो प्रदेश के अंदर आगे बढ़ने थे और जिस पर हम लोगों ने
फोकस किया। प्रदेश के अंदर पिछले 4 वर्ष के अंदर 4 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे कोई कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता, उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कोई कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता, पुलिस की भर्ती को कोई कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता। भर्ती जितनी हुई है ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरी पारदर्शिता उसमें लाने का प्रयास हुआ है, कहीं कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, हर एक स्तर पर। और जहां भी किसी ने कोई गड़बड़ी करने का प्रयास किया है, व्यक्ति के साथ साथ पूरा खानदान जेल के अंदर सड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कोई वसूली का धंधा नहीं बना सकता, नौजवानों के तो के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, लेकिन 4 लाख सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारे नौजवान, बहुत सारे नौजवान हैं जो अन्य विकल्पों की तलाश में काम करते हैं, खासतौर पर उन्होंने निजी क्षेत्र में भी संभावनाएं तलाशी। जब प्रदेश के अंदर निवेश हुआ ये संभावनाएं बढ़ी, तो आज उस फील्ड में भी काम उसने बहुत सारे नौजवानों को रोजगार नौकरी मिली है, रोजगार मिले हैं। कोविड के दौरान लोगों को इसी बात का आश्चर्य था कि आखिर यूपी में 40 लाख लोग आएंगे कहां जाएंगे। हमने कहा यूपी अपने 1 करोड़ प्रवासी कामगार और श्रमिकों को अपने यहां रख करके और उनकी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। ये हमारा 40% ही भी आया है, अभी 60 लाख और हैं, उनके लिए भूमिका तैयार हो चुकी है। और जिस दिन वे आएंगे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन के बराबर होगी, कोई इसमें दोराई नहीं होनी चाहिए, कोई दोराई नहीं होनी चाहिए। ये इन युवाओं के बल पर, और इसीलिए इनकी ऊर्जा और इनकी दक्षता को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक अभिनव योजना प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। पहले चरण में हर कमिश्नरी स्तर पर इनके लिए फ्री में कोचिंग की व्यवस्था, जो लोग उपस्थित हो सकते हैं उनको उपस्थित होकर के फिजिकली वहां जाएंगे, साक्षात वहां जाकर के इसका लाभ लेंगे, और जो लोग वहां पर उपस्थित साक्षात नहीं हो सकते उनके लिए वर्चुअली व्यवस्था भी दी गई है। और अब तक लाखों यूथ उसके साथ जुड़ चुके हैं, और अन्य राज्यों में भी इसकी मांग हो रही है कि यूपी के अभ्युदय योजना के तर्ज पर हमारे राज्यों में भी इस प्रकार की योजना लागू करनी है। ये यूपी मॉडल बनता जा रहा है अभ्युदय। ये अभ्युदय योजना अपने युवाओं के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी के लिए हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का है, रेलवे का है, बैंकों का है, या किसी भी भर्ती के लिए, उसके लिए भूमिका तैयार करने, उसकी गाइड देने के लिए इसमें हर प्रकार के लोग जा रहे हैं। हमारे सीनियर आईएएस आईपीएस और आईएफएस भी जा रहे हैं, प्रशिक्षु आईएएस और आईपीएस और आईएफएस भी जा रहे हैं, पीसीएस भी जा रहे हैं, और साथ साथ उस फील्ड के विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जा रही हैं, और दुनिया के इस फील्ड के जो विशेषज्ञ हैं उनकी भी सेवाएं इसके साथ फिजिकली भी और वर्चुअली दोनों प्रकार से ली जा रही है। यह अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश के नौजवानों को समर्पित है, और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए हम लोगों ने एक बात इस बात को की है, क्योंकि योजना को समर्पित करते हुए हम लोगों ने इस बात को कहा होगा बहुत सारी जगह, लेकिन हम लोग हमेशा इस बात को मानते रहे कि किसी भी ऐसे समाज को जो सक्षम और दूसरों के लिए आदर्श बनना चाहता है उसको उसी लिए अपने को उसी रूप में तैयार भी करना होगा। और इसीलिए हमारे यहां कहा गया है आनो भद्रा कर्तव्यो यन्तु विश्वत, यानी ज्ञान प्राप्ति जिस भी दिशा से हो उसके लिए सदैव अपने मस्तिष्क को खुला रखो। उत्तर प्रदेश का युवा आज अपने मस्तिष्क को ज्ञान प्राप्ति के माध्यम के रूप में अभ्युदय की योजना को लेकर आ रहा है और अभ्युदय के साथ जुड़ रहा है, और बदले में सरकार ने पात्रता की श्रेणी तय की है, यूथ को टैबलेट देने की सुविधा भी उसके साथ जुड़ी है, बजट में उसका प्रावधान कर दिया है कि उस यूथ को हम लोग बजट के साथ जोड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। महोदय, इसके साथ ही हमारे यहां कुछ और चीजें थी। उत्तर प्रदेश
का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कभी देश का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय था, आज विभिन्न राज्यों में संस्कृत विश्वविद्यालय बन चुके हैं और अनदेखी और भेदभाव के कारण संस्कृत की स्थिति लगातार खराब होती गई, विद्यालय बंद होते गए, छात्रों की संख्या नगण्य हो गई, शिक्षकों की संख्या समाप्त हो गई। प्रदेश सरकार ने दो निर्णय लिए, एक जब तक परमानेंट शिक्षक संस्कृत विद्यालयों में आते हैं तब तक हम लोग संस्कृत के विद्यालयों में वहां पर एक निश्चित मानदेय के साथ शिक्षकों की तैनाती की व्यवस्था वहां पे करेंगे और बाद में आयोग से या जो भी व्यवस्था उसकी बनती है उस आयोग के उसके माध्यम से जो भी व्यवस्था उसके साथ जुड़ेगी उस व्यवस्था के साथ वहां पे परमानेंट शिक्षकों की तैनाती करेंगे। संस्कृत को अपनी पुरातन परंपरा के साथ साथ अर्वाचीन व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम भी करेंगे, यह तकनीक के साथ जोड़ने का भी काम करेंगे, लेकिन साथ साथ हम अपनी गुरुकुल की पद्धति को फिर से पुनर्जीवित करने का कार्य करेंगे संस्कृत के माध्यम से। और गुरुकुल की उस परंपरा जिसमें संस्कृत पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए, अगर कोई छात्रा भी है संस्कृत के बारे में, क्योंकि हमारे वेदों की बहुत सारी ऋचाएं तो वेद विदुषी महिलाओं ने रची, तो जो भी उस फील्ड में आना चाहती हैं उनकी लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था का प्रावधान भी गुरुकुल पद्धति से उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था यहाँ पर प्रस्तुत की है और इस बात को लेकर के की है कि उनका भाव ही लोक कल्याण है, लोक कल्याण का यह भाव हरेक स्तर पर हो और उस लोक कल्याण के भाव को वे विश्व कल्याण के साथ जोड़ सकें, उस देव कुटुंबकम के उस भाव को हम एक बार फिर से पुनर्जीवित कर सकें, यह कार्य इस योजना के माध्यम से यहां पर गुरुकुल पद्धति के माध्यम से प्रारंभ करने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही महोदय प्रदेश के अंदर कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम के माध्यम से भी प्रदेश के यूथ के बारे में 13 लाख युवाओं का पंजीकरण, जिसमें से 9,48,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और 3.5 लाख युवाओं को विभिन्न सेक्टर्स में उनको सेवायोजित करने का काम भी किया गया है। ये कार्य युद्ध स्तर पर करने का कार्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर अब तक संपन्न हुआ है और ये प्रदेश के अंदर जो कार्य योजनाएं सरकार की चल रही हैं उसका ही हिस्सा है। युवा और खेल विकास और प्रोत्साहन के लिए भी सरकार ने बजट में उसका प्रावधान किया है। महोदय प्रदेश के अंदर महिला मंगल दल, युवक मंगल दल के गठन के लिए भी धनराशि की व्यवस्था और भी अन्य उसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम, ओपन जिम के निर्माण के लिए, खेल के मैदान के लिए, ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ सकें इसके लिए भी व्यवस्था हम लोगों ने बजट में इसकी व्यवस्था की है। स्पोर्ट्स के लिए मेरठ में एक स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के लिए भी धनराशि का प्रावधान हम लोगों ने बजट में किया है। ये बजट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्रदेश के अंदर मेरठ में, क्योंकि मेरठ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो हमारी कार्य योजना है इसमें मेरठ खासतौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है कि स्पोर्ट्स आइटम के लिए मेरठ की ही प्रोडक्ट को हम लोगों ने स्पोर्ट्स आइटम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का पार्ट बनाया है और वहां पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्रदेश के अंदर खेल की संभावनाओं को कई गुना आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा, इसका भी प्रावधान इसके साथ किया जा रहा है। महोदय इसके साथ ही प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत भी काफी बड़े पैमाने पर कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है। जो हमारे हस्तशिल्पी हैं, परंपरागत कारीगर हैं, उनके प्रशिक्षण, उन्हें वित्तीय संस्थाओं के साथ जोड़ना और वित्तीय समावेशन के साथ ही
उन्हें स्वावलंबन के साथ जोड़ने के साथ ही राज्य सरकार के द्वारा उन्हें टूल किट उपलब्ध कराने की कार्रवाई, युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने और बहुत युद्ध ये कार्य बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश के अंदर 5.5 लाख से अधिक गोवंश अब तक हमारे शासन के द्वारा संचालित निराश्रित गौआश्रय स्थलों में है। लगभग 78,000 गोवंश को अब तक हम लोग सहभागिता योजना के अंतर्गत गौपालकों को सौंप चुके हैं, जिसमें 900 रुपये हर महीने शासन उन्हें उपलब्ध करा रहा है और कुपोषित परिवारों को भी, जो कुपोषित माँ हो या कुपोषित बच्चा जिस परिवार में है वहां पर एक दुधारू गाय निराश्रित गौ आश्रय स्थल से देने का कार्य भी प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है और बहुत सफलतापूर्वक ये योजना आगे बढ़ रही है। उन परिवारों को भी 900 रुपये प्रतिमाह इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन बजट में एक नई घोषणा हम लोगों ने की है। जब कहा जा रहा था कि किसानों के लिए क्या किया गया है, तो मैं बताना चाहता हूं किसानों के लिए ये भी किसानों से जुड़ी हुई योजना है, जिसमें न्याय पंचायत स्तर पर गौ आश्रय स्थल खोलने, निराश्रित गौ आश्रय स्थल खोलने की व्यवस्था इसके साथ हम जोड़ने जा रहे हैं और यह कार्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में न्याय पंचायत स्तर पर और नगर निकायों के स्तर पर भी काना ओपन के रूप में इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने की कार्य को बहुत तेजी के साथ आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। महोदय जो मैंने पहले भी कहा, COVID-19 के लिए टीकाकरण में सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और हमने बजट में भी इसका अलग से प्रावधान भी किया है। यद्यपि राज्य सरकार जो टीका लगा रही है भारत सरकार फ्री में उपलब्ध करा रही है, सारे टीके फ्री में, लेकिन एक विकल्प भी दिया गया है, ये व्यवस्था दे दी गई है कि और उसके रेट भी तय कर दिए गए हैं। यही वैक्सीन जो 250 रुपये में यहां के मार्केट में मिल रहा है, अगर आप बाहर जाएंगे तो इसकी कीमत 5,000 से लेकर के 15,000 के बीच में है यही वैक्सीन, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लोग शासन की योजना के अंतर्गत फ्री में लगाने के इच्छुक हैं वे लोग अपनी बारी का इंतजार करें, सावधानी रखें, उन्हें फ्री में वैक्सीन मिल रहे हैं। लेकिन जो चाहते हैं कि नहीं हम पहले बिना क्यू के साथ डालना चाहते हैं, अपने अनुसार करना चाहते हैं, उनके लिए एक विकल्प भी उपलब्ध करा दिया गया है और ये व्यवस्था प्रदेश के अंदर पूरी तरह लागू हो चुकी है। प्रदेश में टीकाकरण के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, अन्य सुविधाएं उपलब्ध करानी है, लॉजिस्टिक आदि की व्यवस्था देनी है, इसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के उसे आगे बढ़ाने का कार्य करी, इसके लिए बजट की व्यवस्था यहां पर कर दी गई है और एक कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। युवा अधिवक्ताओं के लिए, महोदय अधिवक्ताओं के लिए भी व्यवस्था की गई, यानी मैं यहां पे दलीय नेताओं के भाषणों को सुन रहा था, उनके भाषणों को मैंने जब वो मंगाया तो मैंने उसको देखा, उनके द्वारा अपनी अपनी दलीलें दी जा रही थी, लेकिन अधिवक्ताओं के चैंबर के लिए भी जनपद स्तर पर और युवा अधिवक्ताओं के लिए भी कॉर्पस फंड का हो या फिर उनकी पत्रिका और पुस्तकों के क्रय के लिए धनराशि की व्यवस्था का हो, ये सभी कार्य यहां पर प्रदेश के बजट के पार्ट बने हैं, प्रदेश ने इसको आगे बढ़ाया है। महोदय एक बहुत बड़ा जो है हमारे सामने सबक था कोरोना के दौरान कामगार और श्रमिकों का प्रदेश के अंदर या देश के अंदर पलायन की स्थिति बहुत बड़ा था, वो एक त्रासदी जैसी थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है प्रदेश सरकार ने तय किया है, यद्यपि हम पहले से इसका आयोग गठित कर चुके हैं, प्रदेश के अंदर हमारा श्रमिक प्रवासी श्रमिक और कामगार रोजगार और सेवायोजन आयोग का गठन पहले से हो चुका है, उसकी कार्य तेजी के साथ कार्य करना प्रारंभ भी किया है, उसके सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो चुके हैं, वो आगे काम कर रहा है, लेकिन हमने तय किया है निवासी हो या प्रवासी, संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र, हमारा अनुमान है कि लगभग 2 करोड़, 1 करोड़ संगठित क्षेत्र का और 1 करोड़ असंगठित क्षेत्र का लेबर प्रदेश के अंदर रहता है या प्रदेश का लेबर बाहर रहता है, ये लगभग 2 करोड़ है।
इन सभी को, संगठित क्षेत्र को श्रमिक विभाग के, श्रम विभाग के द्वारा अपनी योजना के अंतर्गत आच्छादित करने की व्यवस्था की जा रही है, और जो असंगठित क्षेत्र के हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, ठेला खुमचा रेड़ी लगाने वाले हैं, या विभिन्न ऐसे तबके से जुड़े हुए लोग हैं जिनका अब तक कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं थी, या जो किसी पिछली सरकारों के शासन के एजेंडे के पार्ट नहीं थे, उन लोगों को न सामाजिक सुरक्षा थी और न एसईसीसी की ही सर्वे में उनका नाम ही आया था। प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है कि इन सभी 2 करोड़ श्रमिकों के लिए हम प्रदेश के अंदर उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के साथ 2 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध कराएंगे, और एसईसीसी की सर्वे में जो लोग छूट गए हैं उन सबको भी हम लोग 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा से कवर करने का कार्य भी करेंगे। यानी 2 करोड़ मजदूर, स्ट्रीट वेंडर या यहां का कोई कामगार और श्रमिक देश और दुनिया में कहीं जहां कहीं होगा, हमारे पोर्टल से वह जुड़ जाएगा। उसको पहले ही प्रधानमंत्री जी ने नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन की सुविधा उपलब्ध करवा दी है, लेकिन अब हमें सामाजिक सुरक्षा के साथ, अगर दुर्भाग्य से कल उसके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, परिवार असहाय नहीं रहेगा, उस परिवार को इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध हो जाएगी। उस परिवार के सामने कहीं हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी, ये सुविधा उसको प्राप्त होगी। लेकिन साथ साथ उसके सामने अगर कोई स्वास्थ्य का संकट आया है तो स्वास्थ्य के संकट के लिए भी हम उस परिवार को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने जा रहे हैं। और देश में हो, विदेश में हो, प्रदेश में हो, हमारे पोर्टल पे वह रजिस्टर्ड होगा, उसके साथ ही हम इस सुविधा उसको उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, और इसके लिए भी ये व्यवस्था इनको ले दी गई। पल्लेदार हैं, श्रमिक परिवार हैं, असंगठित क्षेत्र के जो कर्मकार हैं या कारीगर हैं, इन सबको ये सुरक्षा इन दोनों योजनाओं के माध्यम से करने का कार्य इसमें किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने पहले ही संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनके बच्चों के लिए अटल आवासीय व्यवस्थाओं का व्यवस्था प्रारंभ की है। हमारा प्रयास है इस सत्र में विद्यालय प्रारंभ हो। श्रमिक जो आज एक कस्बे में है, अगले दिन किसी दूसरे शहर में चला जाता है, हर 3 महीने 4 महीने उनका अपना ठिकाना बदलता है, बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उन बच्चों की समुचित शिक्षा व्यवस्था अच्छी, हम एनसीईआरटी की तर्ज पर उन बच्चों को आधुनिक शिक्षा दे सकें, इसके लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रदेश के अंदर 18 कविस्थली में निर्माणाधीन है और इन कार्यक्रमों को इसके साथ जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के ऐसे जो युवा इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के अंतर्गत उन्हें शिक्षित युवाओं को भी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के माध्यम से भी 100 करोड़ की व्यवस्था उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर इस बजट में उसका प्रावधान अलग से किया है। सरकार उन्हें कैसे वित्तीय समावेशन योजना के साथ जोड़ सकती है, कैसे उनके आर्थिक उन्नयन के साथ जोड़ सकती है, ये कार्य प्रदेश के अंदर हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और इन चीज़ों को ये मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर स्वदेशी गौवंश के संरक्षण और उसके संवर्धन दोनों की दिशा में प्रदेश ने एक गोकुल मिशन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के बजट में इसका प्रावधान है और वाराणसी में इसका कार्य पहले से ही भारत सरकार के सहयोग से आगे बढ़ रहा है, और हमारा प्रयास होगा कि हम इसको फेज वाइज हर एक स्तर पर लेकर के जाएंगे, जिससे हर एक स्तर पर किसानों को राहत मिले, गौपालकों को, पशुपालकों को एक नई राहत मिले, और उनको इस फील्ड में जो व्यापक सुधार होगा वह उनकी आय के साथ, अतिरिक्त आय के साथ जुड़ पाएगा। व्यापारी कल्याण के लिए भी हम सब जानते हैं प्रदेश का व्यापारी हमारे प्रदेश की इनकम को बढ़ाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, और प्रदेश के अंदर जहां तक राजस्व की बात थी, मैं देख करके ताजुब कर रहा था कि
16-17 में वाणिज्य कर, उस समय जीएसटी नहीं था लेकिन वैट था, ये कुल 51,800 करोड़ रुपए की प्राप्ति प्रदेश में हो पाती थी। और महोदय आज प्रदेश सरकार ने केवल इसमें पारदर्शिता लाने का काम किया है, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। मैं तो देख रहा था कल परसों अपनी बात बजट भाषण में, जब आप यहां पे कह रहे थे, मान नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि भगवान राम ने भरत से पूछा कि राजकाज कैसे चल रहा है, कैसे कर लेते हो, भरत चुप थे। लेकिन वो यहीं तक सीमित ही रहे, उन्होंने इसको अपना विस्तार अपने तरीके से दिया। लेकिन महोदय बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के, अतिरिक्त कर के प्रदेश सरकार इसे 91,568 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। जीएसटी के साथ ही जुड़ करके हुआ, जीएसटी के साथ ही जुड़ करके, अब जीएसटी आई है वैट, हाँ दे रही है ना, उसकी चिंता मत करो, राज्य सरकार सक्षम है इससे बातचीत करने के लिए। ना ना आप देखिए सपने देखिए, अच्छा है सपना देखिए, सपना देखना भी अच्छी बात होती है। हाँ। मौत आबकारी का एक्साइज, एक्साइज में 16-17 में लगभग 14,000 करोड़ रुपए लक्ष्य था, उतना पहुंचा भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आ चुका था, उसके बाद यहां पर कुछ नई व्यवस्थाएं थी और वह आज बढ़कर के पहुंच रहा है लगभग 37,000 करोड़ रुपए। महोदय परिवर्तन है, ये परिवर्तन स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में 11,564 करोड़ रुपए से बढ़कर के ये पहुंच रहा है 23,500 करोड़ तक। इनकम कोई अतिरिक्त नहीं बल्कि रियायत दी गई है, कुछ में तो और छूट दी गई है। परिवहन में 5,148 करोड़ से बढ़कर के ये पहुंचता है 12,515 करोड़ तक। महोदय भूतत्व और खनिज में, खनन में, यानी कोई फील्ड ऐसा नहीं जिसमें परिवर्तन और बढ़ोतरी के साथ उसको भी इसी प्रकार का परिवर्तन हुआ। और मंडी समिति के भी इन व्यापक परिवर्तनों को हम लोगों ने बहुत पॉजिटिव वे में लिया, नेगेटिव उसने नहीं लिया। किसी प्रकार की नकारात्मक उसमें नकारात्मकता नहीं आने दी, लेकिन साथ साथ हमने प्रदेश के अंदर व्यापारियों को एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दी और कानून व्यवस्था को बेहतर करके उन लोगों के मन में एक विश्वास भी पैदा किया कि प्रदेश के अंदर सुरक्षित हैं। ये हर एक फील्ड में, हर एक चाहे वह किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, और जो व्यक्ति प्रदेश के अंदर ईमान के चल सकता है कि वह प्रदेश के अंदर सुरक्षित है, निवेश के लिए प्रदेश सुरक्षित गंतव्य है, प्रदेश के अंदर वह बहुत व्यवस्थित रूप से वह आ रहा है। लेकिन हमने साथ साथ ये व्यवस्था की, जीएसटी में जो भी व्यापारी रजिस्ट्रेशन करवाएगा, रजिस्ट्रेशन के साथ ठीक है, उसका टर्नओवर 40 लाख का नहीं होगा, अगर रजिस्ट्रेशन कराता है और अपने रिटर्न में भर के दे देता है कि उसका उसका टर्नओवर नहीं है, कोई समस्या नहीं, वो लिख के भर दे। लेकिन रजिस्ट्रेशन के साथ ही उस व्यापारी को 10 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार उपलब्ध करा देगी। व्यापारी को ये सुरक्षा की गारंटी भी प्रदेश सरकार के स्तर पर उपलब्ध कराया गया, कराने की व्यवस्था की गई है। तो ये कार्य प्रदेश के अंदर किस रूप में हो रहे हैं,
ये मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष ने और हमारे दलीय नेताओं ने अगर इसको थोड़ा भी ध्यान से देखने समझने का प्रयास किया होता, उपलब्धियों को नजदीक से समझने का प्रयास किया होता, तो जिस प्रकार की दलीलें यहां पर दे रहे थे, मुझे लगता है उस प्रकार की दलील देने की आवश्यकता यहां पर नहीं पड़नी चाहिए थी। और महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जिन अन्य क्षेत्रों में जो व्यापक सुधार के कार्य हुए हैं, हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर रविवार को 2017 तक जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक प्रकार से बंदी के कगार पर पहुंच चुके थे, हर जगह शिकायत आती थी। आज आप देखिए, हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर रविवार को आरोग्य मेला लग रहा है। नेता प्रतिपक्ष संभवतः आप कभी गए नहीं, एक बार जाकर के देखें, केवल निरीक्षण करने के लिए जाए, भगवान चाहे किसी को आरोग्य मेले में भेजने की नौबत ना आने पाए, लेकिन आप केवल देखने के लिए जाइए एक बार, एक जनप्रतिनिधि के नाते भी और नेता प्रतिपक्ष के नाते भी अगर आप जाएंगे, हम लोगों को अच्छा लगेगा, आपको निरीक्षण करना चाहिए। क्या यह भी होता है? पूरे प्रदेश के अंदर 4600 से अधिक प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो संख्या आती है, ये लगभग 3,00,000 प्रतिदिन की संख्या आ रही है। इतने लोगों को, और केवल उसमें आरोग्यता की ही जांच नहीं होती, उनको केवल दवा ही नहीं मिलती, आरोग्यता के साथ साथ पोषण, केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं, उन सबको इसके साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, उनके साथ जोड़ा जा रहा है। किसी के पास आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड नहीं है, उसको वहीं पे रजिस्ट्रेशन, वहीं पे कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था, ये सभी सुविधाएं भी उसको उपलब्ध कराई जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भी बजट में प्रावधान किया गया है, और साथ साथ टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन के लिए भी, जिन क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता के लिए भी कठिनाई हो, यद्य प्रदेश सरकार ने उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, लेकिन फिर भी है, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रदेश की भी उनकी सेवाएं चाहिए तो वर्चुअली प्रतिदिन 5 से 6 बजे के बीच में वर्चुअल आईसीयू चलता था, एक टेक्नोलॉजी, और उसका व्यापक लाभ हुआ। कोरोना प्रबंधन वैसे ही नहीं हम लोग कर पाए, इसके पीछे ये सभी कार्य इसके साथ जोड़ करके देखे गए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जो कार्य हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, और मेडिकल कॉलेजेस के लिए, तो हम लोग यहां पर अपनी पूरे बजट की व्यवस्था ही किए हैं। 1947 से लेकर के 2016-17 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और महोदय 16-17 के बाद से 20-21 के बीच में 30 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनने की प्रक्रिया के साथ जुड़ चुके हैं। तो परिवर्तन नहीं है क्या? बलरामपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है, अटल जी की, सर्वे अटल जी की वो कर्म भूमि रही है, वहां पर भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना। मेडिकल कॉलेज को एफिलिएशन के लिए मेडिकल विश्वविद्यालय अटल जी के नाम पे एक अटल मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना भी लखनऊ में की जा रही है। जो 16 अस्सेवी जनपद हैं, उन 16 अस्सेवी जनपदों में जहां पर अब तक हम कोई मेडिकल कॉलेज किसी भी योजना से नहीं दे पाए हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी क्षेत्र ने वहां पे मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए हैं, राज्य सरकार इस बार उसके लिए एक पॉलिसी लेकर के आ चुकी है, और हमने बजट में उसका प्रावधान कर दिया, वहां पे भी एक एक मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड में हम लोग खोलेंगे हर जनपद। आप सोचेंगे कि 2022 के पहले पहले उत्तर प्रदेश का हर जनपद एक मेडिकल कॉलेज से आच्छादित होगा, और विशेषज्ञ चिकित्सक, चिकित्सीय सुविधा वहां पर लोगों को उपलब्ध होती हुई दिखाई देगी। ये व्यवस्था, ये स्वास्थ्य क्षेत्र में की गई उपलब्धियां हैं, जो कार्य वहां पर किए जा रहे हैं, SGPGI के लिए, KGMU के लिए, या फिर अन्य संस्थाओं में, आयुष मिशन के अंतर्गत भी, आयुष विश्वविद्यालय प्रदेश के अंदर,
स्थापित करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ एक वायरोलॉजी सेंटर NIV पुणे की तर्ज पर हम कर सकें, स्थापित कर सकें, हम राज्य के अंदर उस प्रक्रिया को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। उसके लिए भी प्रावधान धन की व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ पर प्रारंभ किया है। ये सभी कार्य प्रदेश के अंदर और जो भी विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश के अंदर हम उपलब्ध करा सकते हैं, इसको उपलब्ध करवाने का कार्य भी प्रदेश के अंदर किया गया। और सरकार की नीति और नियत में किसी प्रकार का कोई संदेह न होने के पीछे का उद्देश्य भी यही है कि हम लोगों ने जो कुछ कहा वो करके दिखाया। हम लोगों ने 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान एक लोक कल्याण संकल्प पत्र बनाया था। माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि आप संकल्प पत्र बनाते हैं, हम घोषणा पत्र बनाते हैं। इसी घोषणा ने तो प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है। घोषणा पे घोषणा करते रहे, करते कुछ नहीं थे, हर बार नई घोषणा के साथ आ जाते। हमारा संकल्प पत्र था, और संकल्प पत्र संकल्प का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। हम एक बार जब संकल्प लेते हैं ना तो उसको करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्रियान्वित करते हैं, ये उसी क्रियान्वयन का पार्ट है। लोक कल्याण के लिए संकल्प, और यही तो मैं सोच रहा था कि नहीं नहीं वही मैं कह रहा हूं कि कबीरदास जी ने एक बात कही थी, कहे कबीर सुनो नर लोई, भूतवा के पूजले भूतलवा होई। मुझे कबीरदास जी ने वैसे ही नहीं कही, नेता प्रतिपक्ष कभी लोक कल्याण की बात करते नहीं, करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोक कल्याण इनके एजेंडे का पार्ट ही नहीं है, और इसलिए कभी उस मुद्दे को लेकर के वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। संकल्प जब होता है स्वयं के लिए नहीं होता है, लोक कल्याण के लिए होता है, राष्ट्र कल्याण के लिए होता है। संकल्प राष्ट्र कल्याण के लिए होता है, लेकर के पंडित जी संकल्प व्यक्तिगत करवाते हैं। अब आपका सर कर्म संकल्प अपने लिए होता है, घोषणा जनता के लिए होती है, इसीलिए हमारा घोषणा पत्र है, संकल्प आपका अपने लिए। आप मेरी बात सुनिए, एक बात सुन लीजिए, नहीं नहीं बस नहीं, देखिए हम लोग तो चाहते थे कि आज मैं सचमुच, मुझे विश्वास था कि आप सचमुच आज यहाँ पे हलवा लेकर के जरूर आए होंगे, लेकिन आप खिलाएंगे नहीं। लेकिन भारत की परंपरा क्या सोचती है, मुझे लगता है कि अगर आपने उसको सुनने का प्रयास किया होता कि स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयंतम न्यायेन मार्गेण मही महिषा गो ब्राह्मणभ्य सोमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। मुझे लगता है कि अगर भारत के संकल्प को, भारत के प्रत्येक नागरिक के संकल्प को आपने देखा होगा, वो व्यक्ति का ही नहीं, गांव का ही नहीं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु की बातों करता है, समस्त लोगों की। और यह संकल्प हर व्यक्ति, हर भारतीय नागरिक, यही तो हमारा संकल्प, अपने लिए नहीं होता संकल्प। अब देखिए मैं 2:05 हो गया, हमारा संकल्प आपकी घोषणा, आपकी घोषणा, आपकी जो घोषणा होती है, आपकी घोषणा आपके अनुरूप ही होती थी, क्योंकि आपकी घोषणा भाई, क्योंकि आप संकल्प अपने लिए कर की बात कर रहे हैं, तो घोषणा भी तो आपकी अपने लिए ही होती थी।
व्यक्ति और परिवार के लिए, जनता के लिए तो कभी नहीं। लेकिन हमारा संकल्प व्यक्ति के लिए नहीं होता है, लोक के लिए होता है। और हमने संकल्प लोक के लिए लिया है, लोक कल्याण संकल्प पत्र। और लोक कल्याण संकल्प पत्र हमारा उसका आधार बनता है। और महोदय, लोक कल्याण संकल्प पत्र में हम लोगों ने जो बातें कही, एक एक कार्य को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू भी किया, 4 वर्ष के अंदर किया है, प्रभावी ढंग से लागू किया है। हर तबका इसको महसूस भी कर रहा है, किसी को कहीं कोई समस्या नहीं इस मामले में। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको जानना आपके लिए, मुझे लगता है पूरे सदन के लिए बहुत आवश्यक है, और जो कार्य आप भी कर सकते थे। खासतौर पर ये जानते हुए जो बातें आप लोग यहां पे बजट में कह रहे थे, नहीं बोलेंगे उनके लिए पर्याप्त रहेगा मटेरियल, आप सुनेंगे। अगर आप उनकी बात को देखे, मैं जानता हूं कि जब वित्त मंत्री जी जब यहां पे कल अपने बात को शेरो शायरी के साथ करेंगे, तो आपको जो है यहां से वॉकआउट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, आप उनकी बात को सुन ही नहीं पाएंगे। और सच को स्वीकार करने की नहीं, मेरी देखी बात नहीं है। महोदय, जो चीजें कही गई, एक नेता विरोधी दल ने बात को कहा कि बजट का कोई थीम नहीं था। हमने तो कहा समग्र और समावेशी विकास, स्वावलंबन से सशक्तिकरण, ये बजट का थीम था। अगर आपने बजट की पहली लाइनों को पढ़ा होता तो प्रस्तावना में भी चीजों का स्पष्ट उल्लेख किया गया था। और मुझे लगता है कि फिर उसके अंदर आप लोग आए होते तो बहुत कुछ जानने सीखने के लिए मिलता वहां पे। लेकिन उनको अगर आपने किया होता तो सब कहा कि किसान, युवा, कर्मचारी, व्यापारी, बेरोजगार, किसी के लिए भी कुछ व्यवस्था नहीं की गई। हमने तो जो मैं अब तक बोला हूं इन्हीं सब के लिए बोला हूं, मुझे लगता है इसमें से कोई भी नहीं छूटा है, ना किसान छूटा है, ना युवा छूटा है, ना कर्मचारी। यानी कर्मचारियों को कोविड के दौरान हर कर्मचारी को समय से वेतन मिला है, समय पर उनके सारे भुगतान हुए, कोई कटौती नहीं की गई, कोई कटौती नहीं की गई। लेकिन कोरोना वॉरियर्स ने, हेल्थ वर्कर्स ने, सबने बेहतर कार्य भी किया, सबने टीम वर्क किया। लेकिन राज्य सरकार ने समय से वेतन देने का काम भी किया, आप कैसे कह सकते हैं। और बेरोजगारों के लिए आज तो भर्ती की प्रक्रिया जिस पारदर्शी तरीके से चल रही है, उसमें कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं जहां पर किसी को कहने का अवसर मिले। लेकिन महोदय, मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष को, और वह इस बात को लेकर के कि जिन्होंने बात कही है कि प्रदेश के अंदर दो तीन बातें इन्होंने कही हैं, और मुझे लगता है कि वह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रदेश के अंदर जो राजकोषीय घाटा है, एक इसका उन्होंने उल्लेख किया था, और दूसरा ऋणग्रस्तता की बात कही, नेता प्रतिपक्ष ने भी कही थी, और मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय वर्मा जी ने भी यह बात कही थी। उत्तर प्रदेश में प्रदेश सरकार आने के बाद हमारी सरकार ने जो कार्य किया है, देखिए राजकोषीय घाटा की बात करते हैं तो 2016-17 में 3.3% था, 14-15 में ये 3.4% था, मैं वहां भी आ जाऊंगा। और 2016 में 3.3% था, जिसे हमने
एफआरबीएम की जो सीमा थी उसके अंदर लाने में सफलता प्राप्त की और 2.9 तक हमारा हम उसको लाने में सफल रहे। 16-17-18 में भी, 18-19 में भी और 19-20 में भी ये बना रहा। यह वर्ष कोरोना वैश्विक महामारी कोरोना में एफआरबीएम की सीमा को भारत सरकार ने कुछ शर्तों के साथ 4.5% तक बढ़ाया। मैं देख रहा हूं बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर लोग मांग कर रहे हैं इसे 5% या 6% तक बढ़ाने की, लेकिन राज्य सरकार ने अपने वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखकर के राजकोषीय घाटा को 4.17% तक ही सीमित करके रखा है और यह तब जब भारत सरकार ने इसे 4.5% तक बढ़ाया है और इतनी सुविधा राज्य सरकार को दी है कि राज्य सरकार वहां तक की वहां तक उस सीमा के अंतर्गत ऋण ले सकती है और उसके तहत अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकती है। राज्य सरकार को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने अपनी सीमा के अंदर इसको बढ़ाया। हाँ, बदले में हमने राज्य की आय को बढ़ाया, लीकेजेज को रोका, प्रदेश के अंदर अनावश्यक फिजूल खर्ची को रोकने का काम भी प्रदेश सरकार ने किया। और जहां तक ऋण ग्रस्तता की बात कर रहे हैं, 16-17 में यह लगभग 30% था और कोविड-19 के बावजूद आपने स्वयं ही आंकड़े यहां पर उपलब्ध कराए, हम इसे 28.1% तक लाने में सफल हुए हैं। यानी 2021 में इतना है, इस करंट ईयर में भी ये इसी के अंदर रहने का अनुमान है। यह वित्तीय बेहतर वित्तीय अनुशासन का एक प्रस्तुतिकरण है और राज्य सरकार इन सभी चीजों को लेकर के आगे बढ़ रही है। केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रदेश के अंदर जो भी प्रावधान होते हैं, जो राज्यांश होता है उसके अंतर्गत तय होता है और राज्य उसका लाभ भी ले रहा है। राज्य सरकार ने उसके अंतर्गत सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मुझे लगता है कि जो बात यहां पर कही गई कि बजट में विभिन्न विभागों के लिए धनराशि में कटौती की गई है, मुझे लगता है कि इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। कृषि, कृषि शिक्षा के लिए अगर आप देखेंगे तो 2021 में बजट 6648 करोड़ था, 21-22 में यह बढ़कर के 6819 करोड़ रुपये हुआ। उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण रेशम के लिए 855 करोड़ रुपये था और यह 21-22 में 1278 करोड़ रुपये की इसकी व्यवस्था की गई है। पशुपालन में 2021 में 2092 करोड़ रुपये था तो इस वित्तीय वर्ष में से 2133 करोड़ रुपये किया गया है। लोक निर्माण विभाग में 2021 में 29,448 करोड़ रुपये था जिसमें 4,346 करोड़ रुपये की धनराशि ऋण अदायगी का था और इस वर्ष अगर आप देखेंगे कि 29,454 करोड़ रुपये का बजट है जिसमें ऋण अदायगी केवल 469 करोड़ रुपये की है। और देखेंगे पूरा बजट अगर पीडब्ल्यूडी का इस सब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 28,950 करोड़ रुपये का पीडब्ल्यूडी का बजट है जो विगत वर्ष की तुलना में 3,883 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है। और इसलिए महोदय कि प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जिसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है और इस विषय में आकांक्षात्मक जनपदों के लिए प्रदेश सरकार ने जो काम किए, यानी देश के अंदर विकसित और सामान्य जनपदों की तर्ज पर अगर हम उनके पैरामीटर को देखते थे एकदम पिछड़े हुए थे, लेकिन प्रदेश ने उसमें बहुत बेहतर प्रगति की। अतिरिक्त बजट की नहीं, कन्वर्जेंस के माध्यम से, योजनाएं पहले से थी लेकिन उस बजट का बेहतर उपयोग वहां पर करने का कार्य किया और आज उसका परिणाम है कि रिजल्ट सामने आ रहे हैं, नीति आयोग उसकी स्वयं मॉनिटरिंग कर रही है। इसलिए महोदय मैं आज की आपके माध्यम से ये हमारे लिए
जो बजट पर चर्चा यह केवल सरकार का लेखा जोखा मात्र नहीं है, ये प्रदेश के विकास का एक रोड मैप भी है, जिस रोड मैप को लेकर के इस सदन में माननीय सदस्यों ने अपनी चर्चाएं की, वो चर्चा पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से की गई है। और उस चर्चा में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिन पर और भी अच्छे विचार आते, और भी अच्छे ढंग से उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि संवाद का माध्यम बना, सभी पक्षों ने इस पर चर्चा की, सभी पक्षों ने अपने विचार रखे, जिस भाव के साथ रखे हम उस भाव के साथ उनका स्वागत करते हैं। और महोदय, मैं एक बेहतर विकासोन्मुखी प्रदेश के सर्वसमावेशी और समग्र विकास को ध्यान में रख करके जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इस बजट के लिए वित्त मंत्री जी को, वित्त राज्य मंत्री जी को, वित्त विभाग के हमारे अधिकारीगण, अपर मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त के साथ जितने भी अधिकारीगण हैं, उन सबको प्रदेश के बेहतर रोड मैप को खींचने के लिए जिसकी सर्वत्र सराहना हुई है, हर एक तबके ने सराहना की है, क्या गांव, क्या गरीब, क्या युवा, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, क्या उद्यमी, हर एक तबके ने जिसका स्वागत किया है, ऐसे बजट के लिए आज मैं एक बार फिर से वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह बजट प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास है इसको आगे बढ़ाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी, एक निर्णायक भूमिका होगी। आपने और नेता प्रतिपक्ष ने और पूरे सदन ने इस पूरे बजट को बहुत सकारात्मक भाव के साथ लेकर के इसे आगे बढ़ाया है, मैं इसके लिए उन सभी का हृदय से आभारी हूँ। महोदय, मैं एक बार फिर से पूरे सदन को होली और रामनवमी की अग्रिम शुभकामनाएं ही देता हूँ। होली और रामनवमी का पर्व बहुत शीघ्र आने वाला है। ग्राम्य विकास, हम लोगों ने यहाँ पे COVID-19 के बावजूद कुछ चर्चा यहाँ पर जब मैं उपस्थित हुआ था उस समय माननीय वित्त मंत्री जी दे ही रहे थे, और वह दे रहे थे खासतौर पर उन्होंने जो बात कही वह कही थी COVID-19 के बावजूद बहुत सारी चीजें थी जिसपे हमें कार्य और जिन घोषणाओं को करना चाहिए था, पब्लिक परसेप्शन और साथ साथ प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर के बहुत सारी चीजों को अभी नहीं, हम समय के साथ लेंगे, लेकिन विधायक निधि के बारे में या जो 3 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बजट में किया गया है, हम लोगों ने इसके बारे में बात की है और इस बारे में हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि विधायक निधि की तर्ज पर